वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज सीए विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस अमेंडमेंट लेक्चर में फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर एज वेल एज दिसंबर 20। तो आइए झटपट पता कर लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये अमेंडमेंट लेक्चर किस किस से एप्लीकेबल है और क्या क्या चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, ये लेक्चर कौन देख सकता है? पहला, जो सीए फाइनल स्टूडेंट्स है ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस वो इसे देख सकते हैं, सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिलेवेंट टॉपिक्स, एंड सीएमए फाइनल वालों को भी ये अमेंडमेंट लेक्चर देखना है। दो बातें, नवंबर एज वेल एज दिसंबर 20 जिनका अटेम्प्ट है वो इसे देखेंगे। सर, जिन जिन लोगों ने भी हमारा रेगुलर बैच लिया है या फास्ट ट्रैक बैच लिया है या उनने यूट्यूब पे हमारे रिविजन लेक्चर्स देखे होंगे, तो सर उनको भी ये अमेंडमेंट लेक्चर देखना है। ये अमेंडमेंट लेक्चर देखने से पहले मे 20 के अमेंडमेंट लेक्चर हम लोगों ने डाले हैं, जिसका लिंक मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज उसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। आपको ये अमेंडमेंट लेक्चर देखने के बाद ही ये देखना है। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी वहां पर डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। तो सर आप रेगुलर स्टूडेंट है, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट है या यूट्यूब के थ्रू रिविजन के थ्रू आए हैं, आपको ये अमेंडमेंट लेक्चर देखना जरूरी है सर। अच्छा जी सर, सर कुछ और बातें वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर रिवीजन हम लोगों ने डाले हुए हैं, पीजीबीपी रिवीजन असेसमेंट वाले 10 टॉपिक रिवीजन हम लोगों ने डाले हुए हैं, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा साहब। आइए बात करते हैं अमेंडमेंट्स। क्या सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स है? आंसर इज नो, बहुत सारे अमेंडमेंट नहीं है, बहुत सारे अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं और जो बहुत ही स्मॉल है। पढ़ने से पहले मैं आपको मेरे दो फॉर्मूले बिल्कुल बता दूं, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, यानी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ना और कम टाइम में पढ़ना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, ये अमेंडमेंट वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होगा, आराम से शांति से पढ़िएगा। बात करते हैं शुरुआत से हिस्ट्री के। फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019 एक ऐसा साल जहां पे बहुत सारी अपडेट्स थी। पहला अपडेट 2019 इलेक्शन होने जा रहे थे। कहां के इलेक्शन सर? इलेक्शन होने जा रहे थे इंडिया के अंदर में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए। मोदी 1.0 टर्म पूरा हो चुका था एंड इलेक्शन जो होता है मोदी 2.0 टर्म शुरू हो जाता है मैसिव विनिंग के साथ। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, जिस साल इलेक्शन होता है उस साल दो बजट होते हैं, एक इंटरिम बजट और इलेक्शन जीतने के बाद जो नई पार्टी आती है या जो कंटिन्यूइंग पार्टी होती है ये अपना खुद का बजट पेश करती है, इसलिए एक और फाइनल बजट ये हुआ। ठीक है, इसीलिए आपको 2019 में इंटरिम बजट भी दिखा और फाइनल बजट भी दिखा। अब जब मोदी 2.0 गवर्नमेंट आई तो सभी लोग जो अपोजिशन में थे उन लोगों ने इकोनॉमी स्लोडाउन के नारे लगाने शुरू किए कि हाँ इकोनॉमी स्लोडाउन हो रही है। और इसका इंपैक्ट कहां से निकला? इसका इंपैक्ट निकला ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो सबसे पहले हिट हुआ, जिसके कारण जो कंपनीज लिस्टेड थी लाइक मारुति एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू मारुति, इनके सबसे पहले शेयर प्राइसेस स्लैश हुए। क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ इकोनॉमिक स्लोडाउन? नहीं, कहते हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए तीन फैक्टर बहुत रेलेवेंट थे। एक, 2016 में आई हुई नोटबंदी, दूसरा 2017 में आया हुआ जीएसटी, और तीसरा 2019 एंड 20 में किए गए अपडेट्स मोटर व्हीकल को लेकर। 2019 में ऐसा क्या आया था जो अपडेट रेलेवेंट था? मैं आपको बताता हूं सर, 2019 के अंदर में जीएसटी के रेट फॉर ई व्हीकल्स को रिड्यूस किया गया था, साथ ही साथ में एक डिडक्शन भी एडअप किया गया था। अगर आप ई व्हीकल लेते हैं तो एक डिडक्शन भी क्या किया गया था सर? एडअप किया गया था। ऑल दिस फैक्टर क्या करता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर एक इंपैक्ट क्रिएट करता है, जिससे ओवरऑल इंपैक्ट ये होता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के नारे लगाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है तो सबसे पहले अगर किसी को इस चीज के लिए मेजर लेना होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर को लेना होता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने मेजर लिया 20 सितंबर 2019 के दिन टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आता है। क्या ऐसा कुछ लाया जा सकता है? जी हां, लाया जा सकता है। आर्टिकल 123 टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस आता है और इसी के तहत चेंजेस भी आपके ऊपर एप्लीकेबल कर दिए जाते हैं। मे 20 होता तब तो ठीक था, एक्सटेंड हो गया नवंबर 20 में, कुछ और स्टैचुटरी अपडेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए। मतलब अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 1, फाइनेंस एक्ट 2 जो अमेंडमेंट के थ्रू आया, टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू आया, इसके अलावा फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर ऑल नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर अप टू 30 अप्रैल भी आपको एप्लीकेबल हो गए। तो कुल मिलाकर के नवंबर 20 एज वेल एज दिसंबर 20 के लिए आपने क्या क्या पढ़ना है? पॉइंट नंबर 1, फाइनेंस एक्ट 2019 1, 2019 2 एंड नोटिफिकेशन सर्कुलर अप टू 30
अप टू 30 अप्रैल 2020 आपको पढ़ना है। फिर आता है 2020, 2020 के अंदर में फरवरी में आता है बजट। सवाल एक, क्या फरवरी में, फरवरी 2020 में जो बजट आया, क्या ये आपको एप्लीकेबल है? तो मैं आपको बता दूं, जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया, ये आपको बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हर लेक्चर के अंदर में बताया कि पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, जिसका मतलब ये है फाइनेंस एक्ट 2020 की एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपको आनी है May 21 एज वेल एज November 21 में। फरवरी के बाद इन मिड मार्च कोविड सिचुएशन अराइज होती है, जहां पर लॉकडाउन आता है। इसी बीच COVID-19 से रिलेटेड कुछ मेजर्स इनकम टैक्स उठाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उठाता है, और इसके तहत टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लाया जाता है, टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लाया जाता है। सवाल एक और, क्या टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आप लोग को एप्लीकेबल है क्या? आंसर इज नो, पता नहीं कि ये आपके एक सर्टेनिटी थी, एक इशू था कि क्या ये आपको एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में सारी जो ड्यू डेट्स थी, जो 31 मार्च को स्ट्राइक होने वाली थी, उसे क्या किया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। अगर आपने कहीं पे लिखा पड़ा होगा कि आपको टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। ना आपको फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है, ना टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आप लोगों को एप्लीकेबल है, बिल्कुल आपको एप्लीकेबल नहीं है साहब। दूसरी बात सर, क्या आपने इसके ऊपर ध्यान देना है? बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं सर, सबसे पहले पैरा यही बात करता है आपसे, आपको क्या क्या पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019-2 एंड ऑल सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर अप टू 30 अप्रैल 2020। ये सिग्निफिकेंट वर्ड बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, उसमें से इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप सिर्फ सिग्निफिकेंट वाला पार्ट पढ़े, Yes or no? और इसी के लिए आप देखेंगे कि हम लोगों ने भी जो अपना फास्ट ट्रैक बुक रखा, राइट, उसके अंदर में टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ना पढ़ाया ना रखा, गलत कंफ्यूजन ही नहीं, बिल्कुल उस पॉइंट पे कंफ्यूजन ही नहीं, राइट। साथ ही साथ में हम लोगों ने मैक्सिमम ऑफ दी चीजें इसमें कवर करी है। कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर ऐसे है जो सिग्निफिकेंट है और वो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए, हम उसे कंसिडर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात चलती है कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन एक ऐसा टॉपिक जो रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहां कहां अपडेट आया है, नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 आया है। क्या कहता है सर ये नोटिफिकेशन? सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 47, कुछ याद दिलाता हूं। सेक्शन 47 टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जिसका मतलब यह है कि कुछ ट्रांजैक्शन 47 में लिस्ट आउट है जो करने पे आपको कैपिटल गेन नहीं आएगा। वन ऑफ द कंडीशन एज पर सेक्शन 45 इज कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, और अगर ये ट्रांसफर्ड ही नहीं है तो इस पर कैपिटल गेन नहीं आता, बराबर है। तो उसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर कैपिटल गेन आने वाला नहीं है। इनमें 2018 फाइनेंस एक्ट 2018 ने क्या किया था, एक अपडेट किया था IFSC, अगर कोई नॉन रेसिडेंट IFSC के अंदर में, राइट, कुछ सिक्योरिटी ट्रेड करता है इन फॉरेन एक्सचेंज, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने पढ़ा है। अगर आप देखेंगे आपके बुक के अंदर में पेज नंबर 7.29 मॉड्यूल 2 में आपके पॉइंट नंबर 27 पे एक कवर था, चेक कर सकते हैं आप। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ बॉन्ड, GDR, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, डेरिवेटिव्स मेड बाय नॉन रेसिडेंट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC and where consideration for such transfer is paid or payable in foreign currency, it is not regarded as transfer, not liable to capital gain. इससे related history पहले समझिए तो आपको ये section समझ में आ जाएगा। IFSC India के अंदर में कहाँ है? एक अभी NSE IFSC, ये एक ऐसा IFSC है, recognized stock exchange है, जो already notified है। आप Google पे search करेंगे NSE IFSC, आपको दिख जाएगा। ये एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो नोटिफाई किया गया है सेबी द्वारा, अंडरस्टैंड। यहां पे नॉन रेसिडेंट को क्या किया गया है, नॉन रेसिडेंट विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल एज वेल एज फॉरेन कंपनीज, इन्हें अलाउ किया गया है कि आप आइए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कीजिए सिक्योरिटीज का, और यहां पे अगर आप अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं एंड दिस ट्रांजैक्शन इज मेड इन फॉरेन करेंसी, इट वोंट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। लॉजिकली अगर बात किया जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में बुलाने की एक तरकीब थी, जिसके लिए मोदी जी बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ 2014 वो चाहते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया आए, और इसी के तहत IFSC सेटअप किया गया, और IFSC में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किए गए, जिसके तहत प्राइमरीली 3 सिक्योरिटीज को बोला गया, अगर ये सिक्योरिटीज ट्रेड होती है तो इट वोंट बी रिगार्डेड एज
इट वोंट बी रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। रिसेंटली अगर बात की जाए तो यह बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा तीन सिक्योरिटी में भी, और डिसीजन लिया गया कि बची हुई सिक्योरिटीज को भी इनमें एडअप कर दिया जाए, जितने भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनीज इसमें ट्रेड करना चाहते हैं। इसी के तहत एक नोटिफिकेशन लाया। नोटिफिकेशन क्या कहता है? नोटिफिकेशन कहता है ये सिक्योरिटीज इन एडिशन, जहां तीन सिक्योरिटीज लिखी है इनमें और पांच सिक्योरिटीज एड कर दी गई। कहा कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट IFSC के अंदर में इसमें ट्रेड करता है, यह ट्रेड अगर फॉरेन करेंसी में होता है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड सिंस इट इज नॉट अ ट्रांसफर इट वोंट बी लायबल टू कैपिटल गेन। तो क्या किया गया है सेक्शन 47 के रिस्पेक्टिव क्लॉज के अंदर में, जहां पे अदर सिक्योरिटी लिखी हुई थी वहां पे ये सिक्योरिटीज और एडअप कर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया गया है। कुल मिला के लॉजिक क्या है? ये सिक्योरिटीज अगर IFSC में नॉन रेसिडेंट ट्रेड करता है इन फॉरेन करेंसी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। कैसा क्वेश्चन आ सकता है सर इस पे? मुझे लगता है MCQ बैठ सकता है इसके ऊपर। MCQ के अलावा मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कुछ और बैठना चाहिए। स्टिल या तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स मैक्स इसके ऊपर अलॉट हो सकते हैं। लेट अस चेक, राइट? सेक्शन 47 मैं यहां से पढ़ रहा हूं। सेक्शन 47 प्रोवाइड्स दैट एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग सच अदर सिक्योरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ मेड बाय नॉन रेसिडेंट, व्हेन आई से नॉन रेसिडेंट इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल एज वेल एज फॉरेन कंपनी, ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड? NSE IFSC, ये एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे। NSE IFSC located in IFSC would not, ये not बड़ा hot है, would not be considered as transfer for attracting capital gain. Accordingly, central government has void this notification specified the following security. Means, apart from bond, rupee denominated bond and derivative, following security अगर trade होती है not regarded as transfer. पहला, foreign currency denominated bond FCDB, foreign currency denominated bond. Second, units of mutual fund or business trust. Next, foreign currency denominated equity share of a company or units of alternative investment fund. Right? ये 5 securities को और add कर दिया है, यानी total 8 securities now अगर ये trade होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC, ट्रांजैक्शन होता है फॉरेन करेंसी में, ट्रांजैक्शन में होता है नॉन रेसिडेंट द्वारा, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, राइट? चलिए सर आते हैं सेकंड चैप्टर नंबर 8, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट सर, ध्यान से देखिएगा इस अमेंडमेंट को। आप देखेंगे तो आपको इसके पहले की हिस्ट्री बता दूं तो आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जरा समझिए हुआ क्या सर। हुआ ये कि 2019 इलेक्शन होने जा रहे थे, कहां? दिल्ली, हमारी दिल्ली, आपकी दिल्ली और सबके दिल में दिल्ली। सर दिल्ली के अंदर में इलेक्शन होने जा रहे थे, दो पार्टी अपने सामने, एक अरविंद केजरीवाल जी, दूसरे मोदी गवर्नमेंट आमने सामने थी दिल्ली के तख्त के लिए। सवाल क्या था? देखिए दिल्ली एक ऐसी जगह है, पहले पॉइंट पूरा बैकग्राउंड सुनिए तो आपको ये प्रोविजन पढ़ने में भी मजा आएगा और सीखने में भी मजा आएगा। पॉइंट ये था, दिल्ली एक ऐसी जगह है नेशनल कैपिटल होने के कारण यहां पे कई जगह से लोग आकर बस जाते हैं, अपना दिल लगाकर बस जाते हैं, जैसे कि गुरुग्राम से हो गए, नोएडा से हो गए, या यू नो नॉर्थ ईस्ट से हो गए, जो दिल्ली के अंदर में बस जाते हैं। अब ये लोग जब आते हैं इनके कोई घर तो है नहीं, ये तो खुद काम देखने आ रहे हैं, तो ये लोग अनऑर्थराइज कॉलोनी में रहना शुरू कर देते हैं। अब ये अनऑर्थराइज कॉलोनी मतलब क्या? ऐसी कॉलोनी जिसको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है, ये दिल्ली के एक्सटीरियर एरियाज के अंदर में कॉलोनी सेटअप कर देते हैं, झुग्गी झोपड़ी सेटअप कर देते हैं, जिसके बाद होता यह है कि ये वहां पे रहने लग जाते हैं। अब सिंस ये लोग दिल्ली टेरिटरी के अंदर में आ गए तो इनका वोट बैंक दिल्ली टेरिटरी के अंदर में आ गया, और राजनीति के हिसाब से एक बहुत बड़ा वोट बैंक वाला मैटर बनता था। हुआ क्या 2019, साहब अरविंद केजरीवाल जी ने कमिट किया कि हम अनऑर्थराइज कॉलोनीज को ऑर्थराइज करेंगे, साथ ही साथ बीजेपी ने भी यही किया। शुरुआत से अगर आप इसको इसके मजे जानने हैं तो इट वॉज फर्स्ट द बीजेपी जिसने अपने पॉलिटिकल एजेंडास के अंदर में कहा कि हम अनऑर्थराइज कॉलोनी को ऑर्थराइज करेंगे। उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल जी इसके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने उल्टा कर दिया गेम को, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ मुझे परमिशन दीजिए, कॉलोनीज मैं बनाऊंगा मेरे पैसे से। जिसका मतलब यह हुआ कि लोगों को यह दिख गया कि बॉस सेंटर अप्रूवल नहीं दे रहा है,
साथ ही साथ में अरविंद केजरीवाल जी का काम दिल्ली के अंदर में बहुत पसंद आया लोगों को, और इसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी जीतते हैं। अनऑर्थराइज कॉलोनीज को वादे के तहत क्या किया जाता है, ऑर्थराइज किया जाता है। एक कुछ और बातें, कोई भी व्यक्ति अगर इन जगहों पे घर लेना चाहता है तो वो कैसे लेता है, एक सेल डीड के थ्रू, दूसरा रजिस्ट्री के थ्रू, तीसरा विल इनहेरिटेंस के थ्रू, चौथा अब वहां पे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, एक कागज के ऊपर लिख करके ट्रांसफर कर देते हैं कि इतना कंसिडरेशन मिला और आज से इस प्रॉपर्टी ये जगह आपकी हो गई, इस तरीके से कुछ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आप कुछ समझ सकते हैं, जब कॉलोनी ऑर्थराइज नहीं है तो लीगैलिटी पे रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल है। अब ऐसे केसेस के अंदर में हुआ क्या, जरा समझिए। लोगों को घर मिल गए, बहुत अच्छी बात है। इनकम टैक्स की एक प्रोविजन स्ट्राइक हुई 56-10, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, किसी भी दूसरे पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो विदाउट कंसिडरेशन और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर में एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड रुपीज 50,000, तो इसे रिसीवर के हाथ में गिफ्ट मान के क्या कर दिया जाता है, टैक्स कर दिया जाता है। बराबर है। अब पॉइंट क्या था, पिछले भी कई लोगों को जिनकी अनऑर्थराइज कॉलोनी ऑर्थराइज की गई थी, इन लोगों के हाथ में भी कैपिटल गेन इशू आया था, और ये इशू कई बार सामने उठा कि अनऑर्थराइज कॉलोनी को आप ऑर्थराइज कर रहे हैं, जिन लोगों के पास रहने के पैसे नहीं है वो टैक्स कहां से देंगे साहब, आपने इतनी महंगी प्रॉपर्टी दिल्ली की उठा करके दे दी। इस बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया, नोटिफिकेशन सिर्फ दिल्ली के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, नोटिफिकेशन सिर्फ दिल्ली के लिए क्योंकि अप्रूवल अथॉरिटी वहीं रखी गई है। अच्छा जी सर, अब लॉ क्या कहता है, नया जो नोटिफिकेशन आया है वो ये कहता है कि सर आपको पता है 56-10 साथ ही साथ में एक लिस्ट भी देता है। कौन सी लिस्ट देता है, वो लिस्ट देता है कि सर कौन कौन से गिफ्ट रिसीव्ड है विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल गिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसी लिस्ट में एंड अदर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, उसी के अंदर में अमेंडमेंट किया गया है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि अगर किसी व्यक्ति को अनऑर्थराइज कॉलोनी ऑर्थराइज हो जाती है, उसके अंदर में क्या मिलता है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इट वोंट बी रिगार्डेड एज गिफ्ट, जिसके तहत जिसको भी मिल रहा है उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। बिल्कुल बस यही अमेंडमेंट किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 96/2019, आइए किस बारे में बात करता है। सबसे पहले तो पहले पैराग्राफ में लिखा है लॉ, 56-10 का पूरा लॉ लिखा हुआ है, राइट। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है प्रोविजो कि भैया हम कुछ एक्सेप्शन देते हैं, और तीसरे पैराग्राफ के अंदर में इन लोगों ने लिखा है अभी नया नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो ये तीन पैराग्राफ आपको डिवाइड कर देता हूं। लॉ क्या कहता है, 56-10 कहता है द 56-10 ब्रिंग्स द टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड 50,000 और वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000 इट ऑल्सो ब्रिंग इन अ केस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड 50,000 देन द होल डिफरेंस इज टैक्सेबल। प्रोविजो 56-10 लिस्ट आउट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एनी सम ऑफ मनी वुड नॉट बी रिगार्डेड as chargeable to tax under the income from other sources. Finance Act 2019 has inserted a clause to the proviso that any sum money value would not be regarded chargeable to tax for such class or classes of person as may be prescribed. Ab government ne kya prescribe kiya hai? Accordingly, the central government has wiped this notification. Rule 11 UAC provides that 56-10 shall not apply to any immovable property, being land, building or both, received by a resident of an unauthorized colony in national capital territory of दिल्ली ओनली। हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको घुमाने की कोशिश करे, किसी और सिटी का नाम दे और बोला जाए, लेट्स से मुंबई के अंदर में अनऑर्थराइज कॉलोनी को ऑर्थराइज कर दिया गया, विल इट बी चार्जेबल टू टैक्स 56-10? आंसर शुड बी यस, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात की गई है। When central government by notification in the official gadget regularize the transaction of such immovable property based on the latest power of attorney, agreement to sale, will,
पोजेशन लेटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट। याद आ रहा है मैंने अभी आपसे कहा था, एक कागज पे लिख करके दे देते हैं, मुझे इतना पैसा मिला और आज से इसका पोजेशन आपके पास, एनी अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट कवर कर दिया गया। सर अनऑर्थराइज कॉलोनी मतलब क्या, देखिएगा अनऑर्थराइज कॉलोनी कंप्राइजिंग ऑफ अ कॉन्टिजियस एरिया, कॉन्टिजियस मतलब वेरी हॉचपॉच एरिया, कंप्राइजेस ऑफ अ कॉन्टिजियस एरिया वेयर नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर लेआउट ऑफ प्लान और बिल्डिंग प्लान एज बाय दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। रेसिडेंट मतलब कौन, रेसिडेंट मतलब एनी पर्सन हु हैज फिजिकल पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी ईदर बाय वे ऑफ अ रजिस्टर्ड डीड, लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी, अग्रीमेंट टू सेल, विल, पोजेशन लेटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट, बट डज नॉट इंक्लूड एनी टेनेंट बिकॉज उनके पास ओनरशिप राइट ही नहीं मिलता, लाइसेंसी और परमिसिव यूजर्स इनके लिए ये नहीं कवर किया गया है। तो कुल मिला के प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन कहता है इफ अनऑर्थराइज्ड कॉलोनीज आर ऑर्थराइज्ड देन इट इज नॉट टैक्सेबल एज गिफ्ट, गेम ओवर। इतना ही प्रोविजन है, कहां पे, ऑब्वियसली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। डन सर, चलिए इस पॉइंट पे बाद में आता हूं, इसके लिए मुझे आपको कुछ और बेस देना होगा। मेरे साथ आइए स्ट्रेट अवे पेज नंबर 12 के ऊपर, स्ट्रेट अवे पेज नंबर 12 के ऊपर। सर ये वही पॉइंट है आपको जो हमने फर्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर मई 20 के अंदर में हम लोगों ने कवर किया था। क्या कवर था, सरचार्ज रिलेटेड पॉइंट था सर, जिसके बाद में जिसके तहत क्या आया था, अमेंडमेंट आया था। क्या था मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंस एक्ट 2019 ने सरचार्ज रेट चेंज किए थे। इफ इनकम एक्सीड 50 लाख रुपीज सरचार्ज इज 10%, इफ इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज सरचार्ज इज 15%। हाउएवर फाइनेंस एक्ट 2019 हैज मेड एन अमेंडमेंट by which enhanced surcharge has been brought up, enhanced surcharge लाया गया, if income exceed 2 crore 25%, if income exceed 5 crore 37% लाया गया। जब enhanced surcharge लाया तो obviously बात थी जितने FII investors थे इनको बड़ा फर्क पड़ने वाला था, जिसके तहत एक और change लाया गया, कहा गया enhanced surcharge 25% और 37% will not be made applicable for the purpose of capital gain under 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A ओनली, अमेंडमेंट लाया गया राइट और इसी के तहत क्या किए गए, प्रोविजन दिए गए। ये एज इट इज वही प्रोविजन है विद एग्जांपल आपको वापस से यहां पे छाप करके दिए हुए हैं। लेट अस चेक, बताइए अगर आपकी ओवरऑल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम अंडर 111A एंड 112A, इसके आगे मैं इसे सिर्फ स्पेशल इनकम के नाम से कह दूंगा सर, 111A और 112A मिला के ओवरऑल इनकम 50 लाख पे जा रही होगी, सरचार्ज रेट क्या होगा, सरचार्ज रेट अप टू 50 लाख निल, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% ऑन ऑल इनकम। सो एग्जांपल चेक कीजिएगा, 30 लाख 25 लाख 40 लाख टोटल 95 लाख, 50 से ऊपर 1 करोड़ से नीचे, पूरी इनकम के ऊपर सरचार्ज कितना लगना चाहिए, 10%। तो रिविजन तौर पर ले लो, ये सारी चीजें हमने कवर करी है। दूसरा एग्जाम्पल, इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 2 करोड़, ऐसे केस के अंदर में भी सरचार्ज रेट क्या होना चाहिए, 15% ऑन ऑल द इनकम इंक्लूडिंग द स्पेशल वन अंडर 111A एंड 112A। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदर इनकम टोटल मिला के 1.75 करोड़ रुपीज, सरचार्ज रेट 15% ऑन ऑल इनकम। थर्ड, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड अदर इनकम, आपकी अदर इनकम एक्सीड 2 करोड़ रुपीज एंड 111A 112A अलग, अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ रुपए के ऊपर है तो अदर इनकम पे 25%, 111A 112A कैपिटल गेन 15%। सो वेयर अदर इनकम 25% एंड 111A 112A 15%। नेक्स्ट,
अगर आपकी अदर इनकम ही 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज, देन ऑन अदर इनकम 37% एंड स्पेशल इनकम 15% विल कंटिन्यू, 37% 15% अंडर 111A 112A। साथ ही साथ में एग्जांपल दिए हैं, यानी जाहिर सी बात है जब आपको टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम आएंगे फाइनल में, वो आपसे जरूर टैक्स कैलकुलेशन पूछेंगे और ये बात उसमें जरूर होगी। लास्ट, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट था जो कहा गया, जो कहा जा रहा था कि अगर आपकी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, मतलब अदर इनकम इंडिविजुअली इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज, बराबर है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि सर आपको यहां पे स्पेशल रेट नहीं लगेंगे, ओवरऑल इनकम पे 15% हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चेक कर लीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55, टोटल 1.1, 1.05 एंड 1.1, टोटल 2.25। अब अगर आप देखेंगे अदर इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज, हालांकि ये तीनों को मिला लो तो 2 करोड़ के ऊपर जाती है, ऐसे केस में ओवरऑल इनकम के ऊपर सरचार्ज कितना होगा, 15%, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन। इज दैट डन सर? चलिए सर, उन्होंने कहा कि सर हमने मॉड्यूल के अंदर में कुछ पेजेस दिए हैं, इसको आप अब इग्नोर कीजिए और ये रेट को फॉलो कीजिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आइए इसके ऊपर भी आते हैं, वेट करना होगा, इसके ऊपर भी आते हैं। मैं आपको जैसे जैसे लेकर के जा रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर नंबर 13, कौन सा चैप्टर बिलोंग करता है? यह चैप्टर बिलोंग करता है आपके असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, जिसमें का टॉपिक टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट एज वेल एज चैरिटेबल ट्रस्ट। टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो चैरिटेबल ट्रस्ट की कुछ कंडीशन है जो सेक्शन 11 के अंदर में दी है, दैट अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ प्रिस्क्राइब मोड। ये प्रिस्क्राइब मोड सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के अंदर में दिए हुए थे, जहां पे अगर आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल बी सेटिस्फाइंग द कंडीशन, याद है तुम्हें? नाउ इसी लिस्ट के अंदर में अपडेट किया गया है, राइट? अगर आपको याद हो तो ये लिस्ट एक बहुत बड़ी लिस्ट थी, जहां पे आपको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स बताए गए थे कि कंपनी बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में इसे रख सकती है, इसी लिस्ट के अंदर में अपडेट किया गया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 15 2020। लेट अस चेक, सेक्शन 11 परमिट्स द अक्यूमुलेशन ऑफ 15% ऑफ इनकम इनडेफिनेटली बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट, हाउएवर द रिमेनिंग 85% ऑफ द इनकम कैन बी अक्यूमुलेटेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मनी सो अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट शुड बी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म एंड मोड्स अंडर 11 सबसेक्शन 5। Accordingly, Rule 11C prescribed the other permissible form or mode of investment or deposit by charitable trust, religious trust or institution. ये आपके काम की चीज। CBDT has wide notification inserted Rule 7C to include within its scope investment made by a person authorized under Section 4 of the Payment and Settlement System Act in equity shares or bond or debenture of a company which is engaged in retail operations of retail payment system or digital payment settlement or similar activity in India and abroad and is approved by the RBI and in which at least 51% of the equity share are held by National Payment Corporation of India। क्या कहा गया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूनिट विच इज सेटअप बाय आरबीआई, राइट? ऐसे केसेस में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा गया कि सर अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कहां इन्वेस्ट करती है, या तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करती है, या बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, या डिबेंचर में इन्वेस्ट करती है, ऐसी कंपनी की जो एंगेज है रिटेल पेमेंट्स के अंदर में और जिसका 51% नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने होल्ड करके रखा है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी अगर आप करते हैं या ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, इट विल बी रिगार्डेड एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ 11 सबसेक्शन 5 एंड हेंस आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इज दैट डन? आइए सर, ये एक और अमेंडमेंट हुआ, तो ये लिस्ट अपडेट की है, हो सकता है ये एमसीक्यू बोल करके पूछ लिया जाए, अदरवाइज मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगती फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे रेलेवेंट नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं सर,
टीडीएस का एक अपडेट सेक्शन 194 एंड जस्ट चेक इट आउट। डन सर। चलिए 194N हमने फास्ट ट्रैक में इसको ऑलरेडी कवर किया है, वही क्लैरिफिकेशन है आपको बता दूं। 194N ऐसा सेक्शन जो कहता था कि पेयर अगर बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन अ बैंकिंग बिजनेस, यहां से अगर कोई कैश विड्रॉ करता है आफ्टर 1 सितंबर 2019 एंड इफ दिस विड्रॉल एक्सीड ₹1 करोड़ इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% शैल रिक्वायर टू बी डिडक्टेड। याद है आपको, वही सेक्शन है। अब एक क्लैरिफिकेशन था, क्लैरिफिकेशन क्या था, क्लैरिफिकेशन ये था कि ये जो 1 करोड़ की लिमिट आप काउंट करेंगे ये कहां से करेंगे। हमने बात की थी 1 करोड़ की लिमिट हम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के काउंट करेंगे, टीडीएस 1 सितंबर 2019 के बाद वाले कैश विड्रॉल पे ही होगा, लेकिन जो 1 करोड़ का लिमिट काउंट करना है ये आपको 1 अप्रैल से काउंट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मई के अंदर में 40 लाख डिडक्ट किया है, 40 लाख रुपीज विड्रॉ किया है, अगस्त के अंदर में 40 लाख रुपीज विड्रॉ किया है एंड दिसंबर के अंदर में रिमेनिंग लेट से 70 लाख रुपीज विड्रॉ किया हुआ है, तो उस केस में आपको सिंस सितंबर के बाद जो विड्रॉल हुआ है वहां पे आपको टीडीएस कट करना है, मतलब 70 लाख के जो अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे उस टाइम पे आपकी ओवरऑल लिमिट में से टीडीएस कट होगा ऑन एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़। टीडीएस कितने पे होगा, ऑन एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़। सो लेट्स से ये टोटल अमाउंट आपकी हो रही है, आपकी हो रही है 1.1 करोड़, तो ऐसे केसेस में 0.1 करोड़ के ऊपर टीडीएस कट जाएगा, दैट इज अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ के ऊपर। वही चीज का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड द सेक्शन 194N विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 टू रिक्वायर एवरी पर्सन हु इज अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन अ बैंकिंग बिजनेस, पोस्ट ऑफिस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इन कैश एग्रीगेट ऑफ सम एक्सीडिंग ₹1 करोड़। एक्सीडिंग वर्ड यूज है मतलब टीडीएस 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पे ही होना है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय सच रिसिपियंट टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% ऑन अ सम एक्सीडिंग ₹1 करोड़। द डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सच पेमेंट। सीबीडीटी हैज वाइड प्रेस रिलीज 2019 इन ऑगस्ट क्लैरिफाइड दैट Though 194N is to come into effect from 1 September 2019, hence any cash withdrawal prior to 1 September 2019 will not be subject to TDS. However, since threshold is with respect to previous year 1920, the calculation of the amount of cash withdrawal for triggering the deduction under 194N shall continue from 1 April 2019. Hence, if a person ऑलरेडी विड्रू 1 करोड़ और मोर अप टू 31 अगस्त 2019 फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी, देन टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% शेल अप्लाई ऑन ऑल सब्सिक्वेंट कैश विड्रॉल। डन सर। चलिएगा 194N से रिलेटेड एक और नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 80/2019। किस बारे में बात करता है ये बात करता है, याद होगा तो 194N का प्रोविजो आपसे कहता है कि किन किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर वो कैश विड्रॉ करते भी हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस रिलेटेड दो अपडेट आए हैं, एक उस लिस्ट के अंदर में एक एडिशन हुआ है और साथ साथ में इनका एक प्रोसीजरल अपडेट हुआ है। प्रोसीजरल अपडेट क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। प्रोसीजरल अपडेट यह हुआ है कि सर इन्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना होगा विड्रॉल के लिए, और साथ साथ में जितनी भी अमाउंट आप विदाउट टीडीएस दे रहा है बैंक वो उन्हें अपने टीडीएस रिटर्न के अंदर में बताना होगा कि हमने किन किन को पेमेंट किया है, कैश विड्रॉल दिया है लेकिन उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस एग्जम्पशन, ये बताना होगा। तो दो प्रोसीजरल अपडेट है, एक लिस्ट में अपडेट है। वापस से एक बार कह देता हूं, 194N कहता है जहां विड्रॉल 1 करोड़ रुपए के ऊपर हुआ वहां 2% का टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ सेक्शन का प्रोविजो ये कहता है कुछ केसेस के अंदर में आपका क्या नहीं होगा, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लिस्ट के अंदर में एक अपडेशन हुआ है, साथ साथ में दो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। चेक करते हैं सर,
The proviso to section 149N provides that no tax is however required to be deducted at source on payment made to such other person or class of person as may be notified by central government. अब गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया? Accordingly, the central government has void this notification after consultation with RBI, specified that the authorized dealer and its franchise agent and sub-agent and full-fledged money changer licensed by RBI or its franchise agent. तो जितने भी authorized dealers हैं, franchise agent है या sub-agent है या full-fledged money changers हैं, right? अब ये फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स क्या करेंगे सर? फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स जो मनी एक्सचेंज करते हैं, लेट्स से नॉन रेसिडेंट इंडिया में आता है या रेसिडेंट इंडिया में वापस आता है, ये अपना मनी एक्सचेंज करवाता है, तो इनको तो जाहिर सी बात है कैश के बदले में कैश देना है, फॉरेन करेंसी के बदले में कैश देना है, तो इनको तो कैश विड्रॉल लगेगा ही। और अब अगर इनका टीडीएस काटते रहेंगे तो सर इनका तो हानि हो जाएगी, बहुत लॉस हो जाएगा। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऑथराइज डीलर हैं, फ्रेंचाइज एजेंट है, सब एजेंट है या फुल फ्लेज मनी चेंजर या उनके एजेंट है, तो ऐसे केसेस में आपका टीडीएस नहीं कट होगा इवन इफ द विड्रॉल अमाउंट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है? एक, इन लोगों को अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा और उसके थ्रू पैसे विड्रॉ करने होंगे। जो बैंक अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इसकी डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी होगी कि मैं इससे विड्रॉ कर रहा हूं, और साथ साथ में ये अश्योरेंस भी देना होगा बाय वे ऑफ अ सर्टिफिकेट दैट मैं इसी पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा हूं। यानी अब जितने भी फुल फ्लेज मनी चेंजर्स हो गए इन्हें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना होगा, उस अकाउंट से जितना भी पैसा विड्रॉ होगा भले ही 1 करोड़ के ऊपर क्यों ना हो उस पर टीडीएस नहीं होगा, लेकिन इस अकाउंट जो आपने दिया है इसके अलावा कोई और अकाउंट से पैसा विड्रॉ हुआ टीडीएस जरूर होगा साहब, चेक कीजिएगा। सच पर्सन ये दो, सच पर्सन शुड मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पॉइंट नंबर 1 परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट और नॉन रेसिडेंट विजिटिंग इंडिया और फ्रॉम रेसिडेंट ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया इन कैश एज पर द डायरेक्शन और फॉर डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू द रिसिपियंट ऑफ बेनिफिशियरी इन इंडिया। ये डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस मनी ट्रांसफर, मान लीजिए बेटा दुबई के अंदर में सीए कर चुका है, सीएस कर चुका है, सीएमए कर चुका है, मां बाप के लिए यहां पे पैसा भेज रहा है, वो क्या सर्विस यूज करता है? मनी ट्रांसफर सर्विस यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से वो ट्रांसफर करता है। अब वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर तो अपना कमीशन लेकर के क्या करेगा? कैश देगा। अब जब ये कैश देगा तो इसको पहले विड्रॉ करना होगा, विड्रॉ अगर करना है तो 1 करोड़ की लिमिट पे टीडीएस कट जाएगा, तो आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या? इन्होंने कहा कि सर जो भी मनी चेंजर है या ऑथराइज डीलर्स है इनके, फुल फ्लेज मनी चेंजर या इनके ऑथराइज डीलर या इनके फ्रेंचाइज एजेंट या सब एजेंट जो भी ये काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है? एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है, साथ साथ में बताना है। चेक कीजिएगा, द एग्जम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194N वुड बी अवेलेबल ओनली इफ, प्रोसीजरल अपडेट, ओनली इफ द सर्टिफिकेट इज फर्निश्ड दैट ऑथराइज्ड डीलर एंड देयर एजेंट एंड सब एजेंट एंड द मनी चेंजर्स एंड देयर एजेंट टू द बैंक दैट विड्रॉल इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड अबव and directions or guideline issued by RBI have been complied thereto. yani inhe kya karna hoga, ek certification approval dena hoga jiske तहत ye kaam hoga. dusra, authorized dealer mean any person who has been so authorized by RBI as a authorized dealer to deal in foreign exchange. theek hai sir, notification number 98/2019 ek aur baat kehta hai, jisne TDS nahi kata, matlab bank, कोऑपरेटिव सोसाइटी डूइंग अ बैंकिंग बिजनेस या फिर पोस्ट ऑफिस, इन लोगों को अब जब ये टीडीएस रिटर्न भरेंगे, और टीडीएस के स्टेटमेंट्स के अंदर में ये चेंज भी किए गए, अब जब ये टीडीएस रिटर्न भरेंगे तो इनको क्लियर कट बताना होगा कि आपने कौन से व्यक्ति को दिया है जिसको एग्जम्पशन दिया है, कितना अमाउंट दिया है जिसपे आपने टीडीएस नहीं काटा। चेक कीजिएगा, द प्रोविजो टू सेक्शन 194N प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स इज हाउएवर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन एनी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, any business correspondent of banking company, white label ATM, such other person में अब कितने लोग जुड़ चुके हैं? और दो लोग जुड़ चुके हैं, ये दो भी, ये पूरा लिस्ट। Accordingly, the CBDT has wide notification inserted a clause in rule 31A to provides that the deductor at the time of preparing the statement, मतलब TDS return, the deductor मतलब कौन?
बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर बोलो पोस्ट ऑफिस। शेल फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ द अमाउंट पेड और क्रेडिट ऑन विच टैक्स हैज नॉट डिडक्टेड इन व्यू ऑफ एग्जम्पशन। तो उन्हें क्या देना होगा सर, उन्हें फर्निश करना होगा पर्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट पेड, कितना अमाउंट आपने पे किया जिसके ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, इस बारे में उन्हें क्या देना होगा, डिटेल देना होगा। तो सर 194N और ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स मैं आप लोग के अटेम्प्ट के लिए मैंडेटरी बोलता हूं, इंपॉर्टेंट बोलता हूं और काम की चीज बोलता हूं, ये जरूर आपको आएगा मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टीडीएस में पहला सेक्शन था 194N, दूसरा सेक्शन है 194M। 194M किस बारे में बात करता है मैं आपको बताता हूं। ये एक सेक्शन था जो आया था, अगेन इसके लिए नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 98/2019। क्या कहता है ये नोटिफिकेशन 194M, कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो या फिर कोई प्रोफेशनल पेमेंट कर रहा हो या किसी कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहा हो, विच आर नॉट कवर्ड बाय 194C, 194H, 194J, ऐसे केसेस में अगर पेमेंट एक लिमिट से ऊपर जाता है तो इन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है, बराबर। अब दो प्रॉब्लम थी, पहला प्रॉब्लम ये कि टीडीएस डिडक्ट करने के बाद इसे जमा कब तक करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम ये कि टीडीएस सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में इशू होगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म थे फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A, 16B, कहीं पे भी इसके डिटेल्स तो वहां पे कहीं पे कवर नहीं है। साथ साथ में इनका टीडीएस रिटर्न कौन सा होगा, क्योंकि टीडीएस रिटर्न आपने ऑफिस में देखे हैं 24Q, 26Q, 26QB, QC, पर हमने कहीं पे भी इन जब फॉर्म भरते हैं हम ऑफिसर्स के अंदर में, आप लोगों ने प्रैक्टिकली में आर्टिकलशिप के अंदर में देखा होगा, कहीं पे भी 194M से रिलेटेड डिटेल ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन ही नया था। अब जाहिर सी बात थी, या तो एग्जिस्टिंग फॉर्म अपडेट करो या फिर नए फॉर्म लेकर के आओ। गवर्नमेंट ने इजी समझा नए फॉर्म लेकर के आना। प्रोसीजरल अपडेट 194M के अंदर में ज्यादा है, जो कहता है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ऐसा कोई पेमेंट करता है जो 194C, H और J में कवर नहीं होता, लेकिन सिमिलर पेमेंट्स आप करते हैं और ये पेमेंट एक अमाउंट के ऊपर चल जाता है, दैट इज 50 लाख रुपीज, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ऐसे केसेस में प्रोसीजरल अपडेट्स बढ़ा दी गई है, चेक करिएगा। 194M केम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019, प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट द रेट ऑफ 5% बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फॉर एनी सम टू रेसिडेंट रेसिडेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर कमीशन एंड अदर देन 194D ब्रोकरेज और बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर 194C, H और J आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउ सम पेबल ड्यूरिंग द ईयर टू अ रेसिडेंट इफ द एग्रीगेट वैल्यू सम क्रेडिटेड और पेड एक्सीड ₹50 लाख। कॉन्सिक्वेंट टू द इंसर्शन ऑफ 194M, द सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन अमेंडेड द रूल्स, रूल्स नंबर 30, 31, 31A। पॉइंट नंबर वन, पहला रूल टाइम प्रिस्क्राइब करता है। टाइम क्या प्रिस्क्राइब है, जैसे 194M में टीडीएस डिडक्ट हुआ, ये गवर्नमेंट को कब तक जमा करवाना है, जनरल रूल जब भी टीडीएस डिडक्ट हुआ 7th of the next month को डिपॉजिट कराना होता है, और अगर मार्च में होगा तो मार्च में होगा अपना अलग हिसाब, उसका आपको अप्रैल के अंदर में जमा करवाना पड़ता है। इसका एक एक्सेप्शन ऑलरेडी हमारे पास था, यस और नो, इसका एक एक्सेप्शन ऑलरेडी हमारे पास था जहां पे 30 डेज का आपको टाइम लिमिट दिया जाता था, ठीक उसी तरीके से यहां पे भी 30 डेज का टाइम लिमिट आपको दिया गया है। कहते हैं कि जब भी 194M के अंदर में टीडीएस डिडक्ट हुआ, यू हैव टू डिपॉजिटेड बाय 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। सो कब तक करना है सर, लिखा हुआ है लॉ के अंदर में, एनी सम डिडक्टेड अंडर 194M शैल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड एंड शैल बी अकॉम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट इन फॉर्म 26QD। क्या रेलेवेंट है सर, हो सकता है ये आपको काय के अंदर में पूछे, एमसीक्यू के अंदर में पूछे, क्योंकि ये रूल्स के अंदर अपडेट है, तो मुझे लगता है कि वो इस पे फोकस करने की जगह आपको एमसीक्यू वाले पार्ट के अंदर में पूछ के खत्म कर देंगे, यस और नो, या फिर 194M का एक केस स्टडी बना करके दे देंगे आपको और उसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन दो 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 मार्क करके डाल के खत्म कर देंगे कि 194M के अंदर में क्या टीडीएस डिडक्ट करना है। दूसरा, व्हाट आर द ड्यू डेट्स एंड फॉर्म इन विच
इट इज अबाउट टू बी डिपॉजिटेड एंड सबमिटेड. तो सर एक नया फॉर्म लाया गया है, तो अब आपके पास कई फॉर्म हो गए, 24Q, 26Q, 26QB, 26QC एंड 26QD, ये चार फॉर्म अब आपके सामने आ गए हैं. दूसरा, मैनर ऑफ रेमिटेंस, आपने डिडक्ट तो कर लिया, गवर्नमेंट को कैसे देंगे आप? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिकली, मैंडेटरीली. चेक कीजिएगा, वेयर द टीडीएस इज डिडक्टेड इज टू बी डिपॉजिटेड शुड बी अकॉम्पनीड बाय चलान इन फॉर्म 26QD, द अमाउंट ऑफ टैक्स सो डिडक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रेमिटिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड इन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी ऑथराइज बैंक. आप शायद समझे नहीं, यहां पे भी डिडक्शन डिपॉजिट का भी टाइम लिमिट लिखा है, 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्टेड, और रिटर्न भरने का, रेमिट करने का टाइम भी आपको दिया गया है 30 days का ही. चेक कीजिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, जब भी टैक्स डिडक्ट होता है सर्टिफिकेट इश्यू होता है, राइट? सर्टिफिकेट अब तक के हमने देखा फॉर्म 16, 16A, 16B, ये तीन फॉर्म हम लोगों ने देखे, एक और नया फॉर्म लेकर के आ गए ये लोग, 16D. एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194M शेल फर्निश द सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन फॉर्म 16D विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट इन फॉर्म 26QD. तो जो भी ड्यू डेट है 26QD की, वहां से 15 days के अंदर में आपको ये देना है. किसको देना है? वेब पोर्टल पे डालना है जो स्पेसिफाई किया है, प्रिंसिपल DGIT और DGIT और एनी पर्सन सो ऑथराइज्ड. साथ साथ में सर, टाइम लिमिट एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ चलान कम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कब तक के देना है? 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड. तो जैसा कि मैंने कहा, पेमेंट और स्टेटमेंट दोनों के लिए टाइम लिमिट सेम हो गया, दोनों के लिए टाइम लिमिट सेम हो गया अंडर 194M, अंडर 194M. इज दैट डन? यस सर. आइए पेज नंबर 19 पे चलते हैं, असेसमेंट प्रोसीजर 139AA. इसकी पहले स्टोरी सुन लीजिए, हिस्ट्री सुन लीजिए तो आपको मजा आएगा. सर मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 के अंदर में, सारे अधूरे काम जितने कांग्रेस गवर्नमेंट ने छोड़े थे उसको पूरा करने के लिए, इसी टाइम पे जोर जोर से मुद्दा उठाया जाता आधार का, जो किसी टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने सोचा था मोदी गवर्नमेंट इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और आधार को हर चीज के लिए लेके आ जाते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सिम कार्ड हो, चाहे वो पैन लेना हो, चाहे वो रिटर्न भरना हो, हर चीज के लिए क्या लेके आ जाते हैं? आधार की एप्लीकेबिलिटी ला दी जाती है. इसी के तहत इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया जाता है 139AA, जिसके तहत कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पैन लेना है या रिटर्न भरना है, इसे आधार देना जरूरी होगा. सो ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 आधार देना जरूरी हो जाएगा. अच्छा जी सर, 2018 लास्ट डेट थी आधार को आपके बैंक अकाउंट के साथ, आपके सिम कार्ड के साथ और अदर चीजों के साथ लिंक करने की. 2018 माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि इनकम टैक्स को छोड़ के बाकी हर चीजों के लिए आधार जरूरी नहीं है. मतलब ये पर्सनल डिटेल कैरी करता है, देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे, पर इनकम टैक्स में रिटर्न भरने के लिए और पैन के लिए आधार क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा. ये तो हुआ एक बात. दूसरी बात हुआ ये कि एक सर्वे किया गया, इस सर्वे के तहत सारे बेनिफिट्स मोदी गवर्नमेंट ने आधार लिंक कर दिए. डायरेक्ट बेनिफिट जाना है किसानों को, आधार लिंक हो गया, हर चीज आधार लिंक हो गई. अब प्रॉब्लम क्या है पता है? हुआ ये कि जब इनकम टैक्स ने वेरीफाई किया कि 130 से 135 करोड़ की जनता, बराबर है, ऑलमोस्ट मोर देन 110 करोड़ और मोर पीपल हैज गॉट आधार, बट ओनली 40 टू 45 करोड़ पीपल हैव पैन. उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा मिसमैच है, गवर्नमेंट के बेनिफिट चाहिए तो आधार आप ले रहे हैं, गवर्नमेंट को बेनिफिट देने की बात आई तो आपको पैन नंबर नहीं लेना. वाह वाह वाह, क्या बात है, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड. ये तो गलत है. गवर्नमेंट ने आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी ला दी, कह दिया कोई बात नहीं, आपके पास अगर पैन नंबर नहीं है आधार नंबर है डाल दीजिए. बहुत सोची समझी चाल के तहत क्या किया गया, सारे ITR अपडेट किए गए, कहा गया आपके पास पैन नंबर नहीं है आधार नंबर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां जहां पे पैन लगता था वहां वहां पे आधार का ऑप्शन भी आ गया, जिसके तहत आधार और पैन इंटरचेंजेबल हो गए. और सुनिए पूरी स्टोरी बाकी है. तीसरी बात, इन्होंने क्या किया, नया कंसेप्ट, सिस्टम अपडेट कर दिया, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर और इनका सिस्टम अपडेट कर दिया.
जहां आपने आधार डाल दिया, ध्यान से सुनिएगा, जहां आपने आधार डाल दिया सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा क्या इस व्यक्ति के हाथ में पैन नंबर है, क्या इस व्यक्ति के नाम पे पैन नंबर इशूड है, और अगर पैन नहीं है तो आपको ऑटोमेटिक पैन दे दिया जाएगा विदाउट एनी फीस। बताइए साहब, मैंने अपने YouTube चैनल पे इस पे एक वीडियो भी डाला है कि पहले पैन नंबर लेने के लिए 30 दिन लगते थे, आज आप 5 मिनट में आपका पैन नंबर ले सकते हैं आधार बेस्ड पैन की एप्लीकेबिलिटी आदि सिस्टम अपडेट कर दिया। अब द मोमेंट आप रिटर्न भरेंगे दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो पैन नंबर डालो या तो आधार नंबर डालो, बराबर है। आपने पैन डाल दिया, मैटर खत्म। आपने आधार नंबर डाल दिया, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि साहब इस व्यक्ति के नाम पे क्या है, पैन है या नहीं है। नहीं होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली अलॉट करेगा। साथ ही साथ में दूसरा चौथी बात इसी सेक्शन से रिलेटेड, आधार और पैन को लिंक करने की डेट दी गई थी। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास अगर आधार भी है तो उसकी जिम्मेदारी यह थी कि इनकम टैक्स को यह आधार नोटिफाई किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। सबसे पहले डेट थी 2018, 31 मार्च 2018। इस डेट को एक्सटेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए 31 मार्च 2019 से फिर एक्सटेंशन मिला 30 सितंबर 2019, फिर एक्सटेंशन मिला दिसंबर 2019, फिर एक्सटेंशन मिला 31 मार्च 2020, और फिर एक्सटेंशन आ गया कोविड-19 के चक्कर में 31 मार्च 2021। तो आपके आधार को इंटीमेट करना इनकम टैक्स अथॉरिटी को या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की लास्ट डेट अब हो गई 31 मार्च 2021। क्या ये पात्र रिलेवेंट है? नहीं। चेक कीजिएगा, हमने अपने फास्ट्रैक बुक के अंदर में भी ये कवर किया हुआ है और लेक्चर्स में भी ये कवर किया है, बस नोटिफिकेशन है तो आपको बताया जा रहा है। एज पर 139AA, याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, आ से आधार, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन ऑन 1st July 2017 एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार शेल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन 31st 2019 डेटेड मार्च 2019 नोटिफाइज दैट एवरी पर्सन हु इज बीन अलॉटेड अ पैन and who is eligible to obtain Aadhaar shall intimate his Aadhaar to principal DGIT system or principal director income tax system on or before 30th September. Then what? 31st December. Then what? This date has been further extended to 31st March 2021. Achha ji. Notwithstanding the last date of intimating link Aadhaar number with PAN number, it is clarified that with effect from 1/4/2019, it is mandatory to quote Aadhaar number while filing the return, either manually or electronically, unless specifically exempted. कुछ लोगों को आधार के applicability से exempt भी किया गया है। चलिए सर, आते हैं एक और amendment के ऊपर। मैं हूं page number 20, miscellaneous provision, section 269 SU। सेक्शन तो याद होगा, सेक्शन नया आया था। क्या कहता था सेक्शन? सेक्शन कहता था कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और एक सेल्स टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर जाता है तो इन लोगों को प्रिस्क्राइब फैसिलिटी देनी होगी पेमेंट के लिए फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड। मीनिंग समझिए क्या हुआ सर, जब नोटबंदी लेकर की आई तो बहुत सारे बिजनेसमैन ऑटोमेटिकली काय पे शिफ्ट हो गए, ई पेमेंट ऑप्शन देने पे शिफ्ट हो गए। आप इनफैक्ट एक चाय वाले से लेकर के आप एक सब्जी वाले तक भी जाएंगे तो दे हैव देयर ओन पेटीएम और यूपीआई सिस्टम जहां के तहत आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में कहीं पे भी ऐसा मैंडेशन नहीं था कि इस मोड के अंदर में आपको देना ही होगा, लोगों को ऐसा ऑप्शन देना ही होगा। एक नया सेक्शन आया 269 SU जिसने कहा कि अगर आपका टर्नओवर लिमिट एक एक्स के ऊपर अमाउंट जा रहा होगा आपको यह प्रिस्क्राइब मोड मैंडेटरीली देना होगा, आपको ऐसे प्रिस्क्राइब मोड के पेमेंट मैंडेटरीली देने होंगे। अब यही सेक्शन के अंदर में वो प्रिस्क्राइब मोड एक्सप्लेन कर दिया गया है, बस इतनी सी बात है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस इफ इज टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड्स 50 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर shall provide the facility for accepting the payment through prescribed electronic mode in addition to the
अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, मतलब इन एडिशन टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको यह भी देना जरूरी हो जाएगा. अकॉर्डिंगली सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग, क्या क्या मोड आपको एडिशनल देना होगा. डेबिट कार्ड पावर्ड बाय आरयूपी, रूपे, रूपे द्वारा पावर्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी आपको देनी होगी. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई, भीम यूपीआई आपको देना होगा. एंड आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड के तहत आपको क्या करना होगा, पेमेंट के अप्रूवल्स देने होंगे. तो सर अगर आपका बिजनेस के अंदर में टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जा रहा है इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो ऐसे केसेस में आपको अपार्ट फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ये तीन मोड भी सामने वाले को पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देना मैंडेटरी हो जाएगा. और अगर आपने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो पेनल्टी प्रोविजन हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर में पढ़े हैं. बस छोटा सा अपडेट है, ये तीन चीजें देना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता ये रेलेवेंट हो सकता है, बट गॉड ओनली नोस, आ भी सकता है, अमेंडमेंट है, हम पढ़ रहे हैं. नोटिफिकेशन नंबर 8/2020 क्या कहता है ये नोटिफिकेशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं. क्या कहता था ये नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, कई ऐसे सेक्शन थे जैसे 35AD, 44AD, 50C, 56-10, 40A3, जो कहते थे कि अगर, चलिए 40A3 को लिंक पकड़ के हम लोग पढ़ते हैं. 40A3 भी ये सेक्शन कहता था कि इफ अ पेमेंट इज मेड टू एनी पर्सन, राइट, इफ अ पेमेंट इज मेड टू एनी पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000 और 35,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर आपने पेमेंट नहीं किया द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड. 43(1) कहता था इसके एक्चुअल कॉस्ट नहीं माना जाएगा. 35AD कहता था हम डिडक्शन नहीं देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब सवाल क्या था, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्या, उन्होंने ये तो क्लियर था अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस, पर ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सप्लेन नहीं किया गया था. यहां एक्सप्लेन किया गया है कि वो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आएगा, जिसके तहत अगर आप इनके तहत पेमेंट करते हो डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा, अदरवाइज डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगा. चेक कीजिएगा, द फॉलोइंग सेक्शंस हैव बीन अमेंडेड टू परमिट द पेमेंट ऑब्लिक रिसीव्ड प्रेफर्ड देयरइन बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब. अब ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है, सेक्शन को हम लिस्ट को रेफर नहीं कर रहे, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 40A3 कैश पेमेंट, 43(1) एक्चुअल कॉस्ट, 44AD 6% यूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट रिसीव्ड हुआ होगा, 43C है स्टॉक इन ट्रेड, 50C सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग कंसिडरेशन के केस में, 56-10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिफ्ट वाला प्रोविजन, 80JJAA एम्प्लॉयमेंट वाला प्रोविजन, 13A आपका पॉलिटिकल पार्टी 2000 से ऊपर का जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो स्पेसिफिक मोड में होना चाहिए, 269SS, 269ST एंड 269T इन सभी सेक्शंस के अंदर में अदर प्रिस्क्राइब मोड था. अब ये अदर मतलब क्या क्या, उन्होंने कहा इन मोड को पेमेंट करोगे देन नो डिसअलाउंस ऑब्लिक पेनल्टी, अगर इन मोड में पेमेंट किया तो ना कोई डिसअलाउंस ना कोई पेनल्टी. कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTGS, NEFT, बीम. तो सर गवर्नमेंट फुल बीम का प्रमोशन एंड UPI का प्रमोशन कर रही है, बस एक लिस्ट दी गई है. ये काम की चीज है, छोटा है पर काम की चीज है. सुनिए क्या है, मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन बनेगा. याद होगा तो 40A3 आपसे कहता है कोई भी पेमेंट किया जो 10,000 से ऊपर और 35,000 से ऊपर किया इन केस ऑफ GTA, तो ऐसे केसेस में आपके डिसअलाउंस अट्रैक्ट होंगे. हालांकि रूल 6DD एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि बॉस कौन कौन से केसेस के अंदर में पेमेंट जो किए गए हैं, अगर ये पेमेंट किए गए हैं 40A3 का डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं करता. वन ऑफ द क्लॉज, क्लॉज J, ये कहता था पेमेंट मेड ऑन अ डे व्हेन बैंक इज क्लोज्ड. मैं जब भी असेसमेंट पढ़ाता हूं, चाहे आप रिवीजन लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे या रेगुलर देखा होगा या फास्ट ट्रैक, मैं आपको हमेशा रूल 6DD पढ़ाते वक्त कहता था कि जब हम असेसमेंट में जाते हैं और AO को आज ये कहते हैं कि सर ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बिकॉज इट देर वॉज नो बैंक, देर वॉज बैंक हॉलीडे, देर वॉज बैंक स्ट्राइक एंड आई कुड नॉट मेड द पेमेंट थ्रू स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो AO कहता था सर किसे बना रहे हैं आप, ऑनलाइन पे कर देते थे, चेक दे देते थे, आपको पेमेंट करना कैश में ही जरूरी क्यों था. और प्रैक्टिकल ग्राउंड ऑफ रियलिटी यही थी, हम खुद प्रैक्टिस के अंदर में भी है, हम खुद ये देखते थे कि AO इसको अलाउ नहीं करता था.
सिंस उन्होंने अब अदर प्रिस्क्राइब मोड अलाउ कर दिए, 40A3 रूल 6DD रीड विथ रूल 6DD में अमेंडमेंट आया और कहा कि सर अदर पेमेंट मेड ऑन अ डे व्हेन बैंक इज क्लोज्ड, अब ये बहाना नहीं चलेगा। मतलब नाउ इफ यू मेड अ पेमेंट इन अदर देन प्रिस्क्राइब मोड ऑन अ डे व्हेन बैंक इज क्लोज्ड और इट इज ऑन स्ट्राइक, इट विल अट्रैक्ट डिसअलाउंस अंडर 40A33। मुझे कंफर्म लगता है ये अमेंडमेंट आएगा पीजीबीपी के अंदर में, बाकायदा आपको एक नोट दिया जाएगा, या टोटल इनकम के प्रॉब्लम में बाकायदा आपको एक नोट दिया जाएगा। नोट देकर के ये कहेंगे कि सर दिस पेमेंट हैज बीन मेड ऑन अ डे व्हेन बैंक इज क्लोज और देयर वाज अ स्ट्राइक इन अ बैंक। मान लो आपने, आपके दोस्त ने यह अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा, या आपने उन्हें फॉरवर्ड नहीं किया होगा और उन्होंने ये अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा और ये आया, तो वो बेचारा रूल 6DD के अंदर में यही पढ़ लेगा कि हाँ अदर प्रिस्क्राइब मोड है वो अलाउ कर देगा। डिसअलाउ करना चाहिए, नेट प्रॉफिट में एडबैक होना चाहिए पीजीपीपी में, पढ़िएगा, मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। कॉन्सिक्वेंट टू द इंसर्शन ऑफ रूल 6ABBA, रूल 6ABBA ये वाला पार्ट, प्रिस्क्राइब मोड, रूल 6DD विच स्पेसिफाई द केसेस एंड सर्कमटेंसेस वेयर डिसअलाउंस अंडर 40A3 वुड नॉट अट्रैक्टेड has been amended to omit clause J providing the exclusion of payment required to be made on a day on which bank are closed either on account of holiday or strike from the preview of 40A3 काम की चीज। Accordingly payment in excess of prescribed limit made otherwise than on prescribed mode on a day when the bank are closed on account of holiday or strike would attract disallowance under 40A3। चेक कीजिएगा। डन सर, सो बढ़ते हैं आगे। चलिए ऊपर के पार्ट पे आ जाइए, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, एक सेक्शन बाकी है, उसका एक पॉइंट बाकी है, बस वो कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल दिस सेड एंड डन, दिस टॉपिक आल्सो डन। चलिए सर आ जाइए फाइनली उस सेक्शन के ऊपर, जिस सेक्शन को हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर में। कहां डील किया है सर? अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डील किया था 115BAB 115BAA। माइनर सा एक चेंज आया है, इनफैक्ट चेंज भी नहीं बोल सकते उसको, क्लैरिफिकेशन आया है जो हम लोग ने पहले भी देखा था, अभी भी बस देख रहे हैं, चेक करते हैं। आइए साहब, पेज नंबर स्टार्ट करते हैं थर्ड से, राइट। यही एक चीज बाकी है डायरेक्ट एक्सेस के अमेंडमेंट में। सबसे पहली बात तो क्या किया है सर, जरा ध्यान से सुनिएगा, 115BAB 115BAA, इसकी हिस्ट्री से अगर मैं चालू करूं तो आपको समझ में आएगा कि सर क्या किया और क्या हुआ। सर जब 2019 के अंदर में मोदी गवर्नमेंट वापस आए, इकोनॉमी स्लोडाउन हुई, और इकोनॉमी स्लोडाउन होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या करने थे, कुछ ना कुछ अपडेट करने थे। अब इस अपडेट जो टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाए इन लोगों ने, इस अपडेट के अंदर में सबसे अच्छी बात यह हुई कि इन्होंने दो नए सेक्शन लेकर के आए मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 2015 के अंदर में इन्होंने क्या लेके आया था, मेक इन इंडिया लेकर के आया था, और अब मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए और कंपनीज को और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ओर ढकेलने के लिए दो बड़े चेंजेस किए गए। पहला बड़ा चेंज किया गया कि सर कंपनी के टैक्स रेट रिड्यूस किए गए और नई कंपनीज जो मेक इन इंडिया के अंदर में आना चाहती है इनके लिए टैक्स रेट और ज्यादा रिड्यूस किए गए। सर जिस दिन ये अनाउंसमेंट की गई थी ना सर, उस दिन मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया था, शेयर मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया था, और ये बातें न्यूज चैनल पे चल रही थी कि मोदी सरकार ने 30% से टैक्स रेट रिड्यूस करके 22% कर दिया, इस तरह की बातें चल रही थी, बातें ये सच भी थी। लेकिन जब इस बात का क्लैरिफिकेशन आया, जब इस सेक्शन को पूरा पढ़ा गया, तब जाके मार्केट अगले 3 दिन तक गिरता भी रहा,
यस और नो। तो समझते हैं सेक्शन क्या था। 2019 राइट, टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत दो सेक्शन आते हैं, 115BAB और दूसरा 115BAA। क्या कहता है ये सेक्शन? सबसे पहले सेक्शन कहता है 115BAB, ये सेक्शन कहता है दैट इफ अ कंपनी स्टार्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑन और आफ्टर द 1st October 2019, देन इन दैट पर्टिकुलर केस टैक्स रेट वॉज 15% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज रेट वॉज 10% प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4% वॉज एप्लीकेबल। यस और नो राइट? अच्छा जी, ये किस इनकम के लिए था? ये इनकम था मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेट्स से अगर आप अदर देन मैन्युफैक्चरिंग इनकम कर रहे हैं, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग इनकम थी तो उसके ऊपर 22% का रेट आपको क्या किया गया था? प्रोवाइड किया गया था। यस और नो? अच्छा जी, इसके अंदर में 3 सब पार्ट हमने और किए हैं और वो बात आपको बताई गई है कि और 3 सब पार्ट क्या है। हालांकि हमने डिस्कस किया था, हम एक और बार फटाफट क्विक डिस्कस करेंगे। दूसरा सेक्शन लाया था 115BAA, ये कोई भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए था जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में एंगेज थी, जो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी थी, और इनके लिए क्या किया गया था? टैक्स रेट रिड्यूस किए गए थे 22% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज दैट इज 10% मैंडेटरी प्लस 4% सेस। तो इनके इफेक्टिव रेट बन रहे थे यहां 17.16% और यहां बन रहे थे 25.168%। ये दो आपके क्या बन रहे थे? एप्लीकेबल रेट बन रहे थे। साथ ही साथ इस सेक्शन में धीरे धीरे अपडेट हुए। क्या क्या अपडेट हुए? पहला, अगर आपको इस सेक्शन के अंदर में लाना है तो आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, सारे लॉसेस आपको भूल जाने होंगे, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह सारी चीजें आपको क्या करनी होगी? भूल जानी होगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर पाएंगे। अगर इन सेक्शन के अंदर में आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर में आ रहे होंगे तो आपको कुछ सेक्शंस के बेनिफिट नहीं लेने होंगे। आइए वही वापस पूरा सेक्शन वापस यहां पे रीराइट करके दे दिया उनने, यहां पे कोई भी कुछ नया नहीं दिया उनने, पूरा सेक्शन यहीं पे वापस से रीराइट करके दे दिया। चेक कीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है इफ द कंपनी ऑप्ट्स, वो वाला पॉइंट, इफ द कंपनी ऑप्ट्स फॉर द सेक्शन 115BAA और 115BAB देन इनकम शुड बी कंप्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग डिडक्शंस। कुछ डिडक्शंस लिए बिना आपको क्या करने होंगे? ये कैलकुलेशन टैक्स रेट तभी मिलेंगे जब आप इन सेक्शंस के डिडक्शन नहीं लेंगे। कौन कौन से सेक्शन थे? 10AA SEZ वाला डिडक्शन नहीं लेना है, 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर के थे वो नहीं लेने हैं, 33AB आपकी जो टी कॉफी रबर बोर्ड वाला डिडक्शन था वो आपको नहीं लेना है, 33ABA जो आपका साइट रिस्टोरेशन अकाउंट वाला डिडक्शन था वो आपको नहीं लेना है, 35(1) साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करने हैं, 35(2AA) नेशनल लेबोरेटरी IIT को जो आप डोनेशन देते हैं जिसका वेटेड डिडक्शन मिलता है वो नहीं लेंगे, 35(2AB) मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो डिडक्शन लेते हैं आप, यू नो वेटेड डिडक्शन वो नहीं मिलेगा, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट, 80IA to 80RRB इनके डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि अगर आप इस सेक्शंस में आ रहे हैं, ये लोअर टैक्स रेट लेना है तो इन इन सेक्शंस के डिडक्शन आप नहीं लेंगे। एट द सेम टाइम और कुछ बातें भी कही गई थी। क्या कही गई थी? विदाउट सेटिंग ऑफ ऑफ एनी लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन डीम्ड सो अंडर सेक्शन 72A वेयर सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी डिडक्शन लिस्टेड इन वन अबाव। तो सर इससे रिलेटेड आपको कोई सेट ऑफ ऑफ लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। हाँ, पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं बाय क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन अंडर 32 प्रिस्क्राइब मैनर, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम। ये वही बात यहां पर लिख दी है। तो सर कहा गया था कि सर आप अगर इस सेक्शन के अंदर में आ रहे हैं तो इस सेक्शन के अंदर में आप ये डिडक्शन नहीं लीजिए और लोअर टैक्स रेट ले लीजिए। लोअर टैक्स रेट क्या थे मैं आपको फिर से बता देता हूं। 115BAA, ध्यान से सुनिए, 115BAA नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी के लिए था और 115BAB न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए था जो 1 अक्टूबर के बाद थी। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 5 पे आपको वही पूरी कंडीशंस वापस से लिख करके दी है। अगर आप फास्ट ट्रैक बुक देखेंगे उसके अंदर में ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया, रेगुलर के अंदर में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया, अमेंडमेंट के अंदर में भी ऑलरेडी ये कवर्ड है। चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कंडीशन, BAB की कंडीशन चेक कीजिए। कंपनी शुड सेटअप एंड रजिस्टर्ड आफ्टर 1st October 2019, इट शुड कमेंस द प्रोडक्शन ऑन और बिफोर 2023,
इट शुड नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. ये रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्योरली अ न्यू कंपनी. इट डज नॉट यूज एनी मशीनरी और प्लांट यूज फॉर एनी पर्पज. राइट, ये सर ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं होना चाहिए, इसके कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं. इट इज नॉट यूज इन एनी बिल्डिंग विच इज यूज एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर. ये वो बिजनेस में नहीं, ये वो बिल्डिंग में ऑपरेट नहीं करना चाहिए विच इज अर्लियर यूज एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर. एंड इट डज not engaged in any business other than the business of manufacturing, production of any article or thing and research in relation thereto or distribution of such article or thing manufactured by it. Business of manufacture or production or any article or thing does not include any business. हालांकि आप भले ही manufacturing activity में होंगे, but ये चीज आप अगर एक्टिविटी में एंगेज है तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. उन्होंने कह दिया बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन और एनी आर्टिकल और थिंग डू नॉट इंक्लूड द बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं बीएबी में नहीं आ सकेगा अगर आप इन बिजनेस में हैं. कौन कौन सा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म इन एनी मीडिया. आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर में एंगेज होने वाले हैं, आप 115 बीएबी नहीं ले सकेंगे सर. नेक्स्ट, आप माइनिंग में है नहीं ले सकेंगे सर. कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम इनटू स्लैब्स, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा. बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर अगर आप करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा. प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म, आपका प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन. एंड एनी अदर बिजनेस सो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अदर बिजनेस सो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. उन्होंने कहा आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का बेनिफिट इस सेक्शन के अंदर में ले सकते हैं, लेकिन ये वाले जो है ये आपके मैन्युफैक्चरिंग नहीं माने जाएंगे और इसके लिए सेक्शन 115 बीएबी आपको मिलने वाला नहीं है. बीएए की क्या कंडीशन थी? नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड. ये तो एक सर्कुलर के थ्रू उन्होंने बताया था. हुआ ये था जब फर्स्ट जब 20 सितंबर को टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, राइट, तो कुछ कंपनीज तो बहुत खुश हो गई कि चलो ये वाले डिडक्शंस तो हम वैसे भी क्लेम नहीं कर रहे थे जो लिस्ट आउट किए थे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया. लेकिन साथ ही साथ में कई कंपनीज ऐसी भी थी जो ये भी चिल्ला रही थी ये तो सर आपने गलत किया, हम इतने साल से कंडीशन सेटिस्फाई करके कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, हम कंडीशन सेटिस्फाई करके एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, इतने सालों का बिजनेस लॉसेस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा है, आज आप कहते हैं टैक्स रेट कम कर दिया लेकिन हमारे लिए तो कोई बेनिफिट ही नहीं दिया क्योंकि इस सेक्शन में आना है तो हम वो बेनिफिट नहीं ले सकते. ये तो आपने हमारे साथ गलत किया, ये आप सही नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है. निर्मला सीतारमन जी ने 2 अक्टूबर के दिन इस बात पे क्लैरिफिकेशन दिया. उनने कहा देखिए 115 बीएए एक ओपन एंडेड सेक्शन है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, ये ओपन एंडेड सेक्शन है. 115 बीएए ये एक ओपन एंडेड सेक्शन है. आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सेक्शन में आने की वजह से आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं ले पा रहे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं ले पा रहे हैं, क्रेडिट्स क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले वो क्लेम कर लीजिए बाद में इस सेक्शन में आइएगा, ये सेक्शन तो ओपन एंडेड है. इसीलिए यहां पे वर्ड लिखा है, देखिए नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, यही वो रीजन है यहां पे लिखा हुआ है नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड. उनने ये सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन दिया था कि सर हमने ये सेक्शन ओपन एंडेड रखा है, हमने ये क्लोज एंडेड नहीं रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आइए सर. सो नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, बोथ एग्जिस्टिंग कंपनी एंड न्यू कंपनी कैन अवेल दिस सेक्शन. नीड नॉट टू बी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. नो सिमिलर कंडीशन कि ये शुड नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन. नॉट द कंडीशन रिलेटेड टू बी अ प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए, ना ही बिल्डिंग से रिलेटेड कोई कंडीशन है, ना ही यू नो इट शुड नॉट बी एंगेज इन अदर बिजनेस वाला कंडीशन यहां पे कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी यहां पे दिया हुआ नहीं है. मैं बस ये सारी चीजें हो चुकी है, बस हम लोग इसको एडिशनली एक बार रेफर कर रहे हैं. अच्छा जी सर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने पे सर टैक्स रेट क्या होंगे इस बारे में बात चल रही थी. ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं 115 BAA पे पहले बात कर लेते हैं. अगर 115 BAA को देखें तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी वेदर अ न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी क्या कर सकती है, इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है. अगर आप इस सेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो टैक्स रेट होगा 22% प्लस 10% मैंडेटरी सरचार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम प्लस 4% एप्लीकेबल सेस. ये आपको लाया गया है, ठीक है सर. अच्छा जी सर, सो The rate of tax is 25.168%, the effective rate, right? अगर आप इस सेक्शन में आते हैं तो मैट आपको एप्लीकेबल नहीं है. अगर आप इस सेक्शन के अंदर में आते हैं तो मैट आपको एप्लीकेबल नहीं है. यस ऑर नो?
आपका इफेक्टिव रेट इज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12 अदर देन बी ए एंड बी ए बी, राइट सर। इसके अलावा जो आपको कहा गया है द रेट ऑफ इनकम टैक्स कवर्ड अंडर चैप्टर 12 फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्सेट्रा, जो 111A, 112A, 112 के अंदर में कवर्ड है, सच इनकम विल कंटिन्यू टू बी एट द रेट मेंशन इन द सेट सेक्शन। मतलब स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू चार्ज एट अ स्पेशल रेट प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% प्लस 4% का सेस। मतलब आपकी जो स्पेशल इनकम आ रही है 111A, 112A और 112 इसके ऊपर स्पेशल रेट कंटिन्यू रहेंगे प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस आपको लागू रहेगा। रेट टैक्स रेट अदर देन ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो स्पेसिफिक रेट इज प्रोवाइडेड। सर अगर कोई इनकम ऐसी है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक रेट नहीं दिया हुआ है अपना कॉमन रेट बिल्कुल चलता रहेगा दैट इज 22 + 10 + 4। However, there is no restriction regarding any claim or deduction allowance permissible under the relevant act. ठीक है सर, यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा विच इज डिराइव फ्रॉम कैपिटल एसेट ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज क्लेम। डेप्रिसिएशन क्लेम हुआ है नहीं हुआ है, रेट सीधा सीधा 25.168% ही रहेगा। सबसे पहले बी ए ए की बात कर रहे हैं हम सर, ठीक है सर। अच्छा जी, अब क्या पॉइंट है, एक मिनट मैं आपको बताता हूं क्या पॉइंट है, ये सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो सर अगर आप देखेंगे 115 BAA के अंदर में तो उनने बड़ी सिंपल सी बात कही है, व्हाट इज 115 BAA, टैक्स रेट वुड बी 25.168% आपको दिया जाएगा प्लस अदर स्पेशल इनकम होगी 111A, 112A और 112 वाली, तो स्पेशल रेट प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस सेस आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा, बराबर है। यहां पे अदर देन अदर इनकम के लिए इतनी बातें नहीं कही है, बट एज फार एज 115 BAB इज कंसर्न यहां पे कंपनी के लिए टैक्स रेट सब्सटैंशियली रिड्यूस कर दिया गया था। जहां कंपनी के लिए टैक्स रेट यू नो नॉर्मली 22% था, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अक्टूबर 19 के बाद आ रही है इनके लिए टैक्स रेट 15% रख दिया गया। कितना 15%, जाहिर सी बात थी जब इतना टैक्स रेट तोड़ रहे हैं तो कंडीशन भी ज्यादा रखेंगे। और इन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनिए, इन्होंने टैक्स रेट को बाइफरकेट किया किस तरह की इनकम आती है उसके बेसिस पे, राइट, किस तरह की इनकम आती है उसके बेसिस पे। यहां पे एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है 115 BAB को, यही चार्ट से हम लोगों ने ये बनाया हुआ है तो कुछ भी नया नहीं है, यही चार्ट से आप ये बना लीजिए या यहां पे पेज के नीचे लिख लीजिए, आपके लिए बड़ा आसान हो जाने वाला है। क्या कहा है उन्होंने जरा देखिएगा, पहला इनकम आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड है, राइट, 115 BAB वाला अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में एंगेज्ड है द इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ व्हाट 15% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज 10% प्लस 4% सेस। ये मैंडेटरीली रहेगा ही, आप चाहें ना चाहें ये मैंडेटरीली रहने ही वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर इनकम आती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से, लेट्स से अगर इनकम आई है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से नहीं है या स्पेसिफाइड नहीं है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से है या नहीं है, प्रॉब्लम आपको क्लियर कट बता नहीं रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से है या नहीं है, तो ऐसे केसेस में रेट आपका जो लग जाएगा वो होगा 22% + 10% + 4%। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम आई, आप लोगों ने इसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसके ऊपर आया इंटरेस्ट, अब ये इनकम जो हो गई ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से नहीं आई, कंपनी इज ओनली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, बट पैसा आया है उसको एफडी में रखा जाता है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है या अदर तरीके से कोई इनकम आती है, तो ऐसे केसेस में ये जो इनकम हो गई ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से नहीं हुई, दो कंपनी इज इन्वॉल्वड ओनली इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ऐसे केसेस में ये जो इनकम है लेट्स से इंटरेस्ट इनकम वुड बी चार्जेबल एट 22 + 10 + 4, ठीक है सर। अच्छा जी सर, सो पहला मैन्युफैक्चरिंग से होगा 15, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग से होगा 22%, आपको बोला हो नहीं बोला कुछ भी नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली अप्लाई कर देने का। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, डेप्रिसिएबल असेट ट्रांसफर करने पे बाय डिफॉल्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आता है, वी ऑल नो दैट, राइट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। अब इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने कह दिया कि अगर आपने डेप्रिसिएबल असेट ट्रांसफर किया है जिस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ, क्या आप इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में मानेंगे या नहीं मानेंगे। See, जब इन्होंने क्लियर कट कर दिया कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी शुड बी यूज्ड,
ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यहां पे उन्होंने बहुत क्लियर कट कर दिया या ये अजम्पशन ले लिया कि बस जो प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है जिनके ऊपर मेजरली डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर रहे हैं, राइट हालांकि इससे प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं होगा, एनी असेट जिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया होगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे केसेस में उन्होंने डेप्रिसिएबल असेट बेचने पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया उसके लिए उन्होंने रेट दे दिया 15%। तो ये एक क्लैरिफिकेशन था जो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया। पॉइंट नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग होगा 15, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग होगा 22, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया जो डेप्रिसिएबल असेट सेल करके आया 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया जो नॉन डेप्रिसिएबल असेट सेल करके आया, नॉन डेप्रिसिएबल असेट सेल करके आया तो भैया सीधा है 22%, राइट। इसके बाद में एक्सेस प्रॉफिट अंडर 115BAB सबसेक्शन 6, ये क्या है 115BAB सबसेक्शन 6, दो आप देखेंगे यहां पे भी लिखा है, मैंने यहीं से ही पूरा का पूरा लिया हुआ है, यहां पे देखा है आपको, जब आप देखेंगे पेज नंबर 9, ये 115BAB सबसेक्शन 6, ये वाला पार्ट है यहां पे दिया हुआ है। वो क्या कहता है ये सेक्शन में आपको बता दूं, ये एक्चुअली एक असेसमेंट का पावर है। ईओ को असेसमेंट करते वक्त कभी भी ऐसा लगा कि भैया इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन सेटअप हुआ है जहां पे अब इस सेक्शन में असेसी एक्सेस प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है, पहला सवाल तो ये कि ऐसा वो करेगा क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रीसेंट टाइम्स में अगर आप इंटरनेशनल टैक्स देखे या आपने ऑलरेडी लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको कई बार लेक्चर के अंदर में बोला है, नाउ इंडिया इज बिकमिंग द लोएस्ट टैक्स ज्यूरिसडिक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया लोएस्ट टैक्स ज्यूरिसडिक्शन बन रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ इंडिया में तो टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू फॉरेन नेशनल्स यहां पे बहुत लो हो चुके हैं टैक्स रेट। तो ऐसे केसेस में अब जो 15% की टैक्सेबिलिटी यहां आ गई, हो सकता है ग्लोबल कंपनीज MNCs क्या करेगी, जो प्रॉफिट पहले वो बाहर लोकेट कर देती थी, अब वो प्रॉफिट कहां लोकेट करना चाहेगी, इंडिया में, वही अपनी इनकम इंडिया में ज्यादा डिस्क्लोज कर देंगे। मान लीजिए एक कंपनी है विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन चाइना एज वेल एज इंडिया, लेट्स से वन प्लस, अब ऐसे केसेस में जो प्रॉफिट चाइना में डिक्लेयर हो रहा था, चाइना का टैक्स रेट लेट से 30%, वही न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पे सेटअप करके वो 15% डिस्क्लोज कर देंगे और एक्सेस प्रॉफिट इंडिया में शो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको 15% का टैक्स प्लानिंग टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे केसेस के अंदर में गवर्नमेंट ने एक पावर दिया असेसिंग ऑफिसर को सबसेक्शन 6 के अंदर में कि कभी भी एओ को असेसमेंट करते वक्त ऐसा लग रहा है कि बॉस एक्सेस प्रॉफिट यहां पे शो करने की कोशिश हो रही है, ये एक्सेस प्रॉफिट जितना एओ कंप्यूट करेगा राइट इसको हम इनकम मानेंगे और ये इनकम पे टैक्स रेट क्या होगा इस बारे में क्लैरिटी चाहिए थी और इस बारे में क्लैरिटी दे दी। उन्होंने कहा अगर 115BAB सबसेक्शन 6 में आपको प्रॉफिट आता है, एओ निकालता है ये प्रॉफिट अब ना आपके मैन्युफैक्चरिंग से आया है ना अदर देन मैन्युफैक्चरिंग से आया है, इसके लिए एक अलग ही टैक्स रेट दे दिया और वो टैक्स रेट दे दिया स्ट्रेट अवे 30% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस सेस। 30% क्यों, उस केस में हम बोले कि आपको पेनलाइज करेंगे, हम जो नॉर्मल टैक्स रेट थे इंडियन कंपनीज के 30%, हम आपको 30% लगा देंगे। क्यों, क्योंकि आपने एक्सेस प्रॉफिट डिस्क्लोज करके इनकम टैक्स को गुमराह करने की कोशिश की है और ऐसा केस हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने कह दिया कि सर हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सेस प्रॉफिट को टैक्स कर देंगे 30% के हिसाब से। सो कुल मिला के अगर कंपनी 115BAB के अंदर में है, दैट इज न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 2019 के बाद 2023 के बीच में आई है और वर्क करना चालू कर चुकी है, इनको अगर मैन्युफैक्चरिंग से इनकम आती है 15% प्लस 10% प्लस 4% बाय डिफॉल्ट में, सुन लेना, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग इनकम आती है या इनकम तो है लेकिन कुछ बोला नहीं है प्रॉब्लम के अंदर में 22% डाल देना साहब। तीसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डेप्रिसिएबल असेट के ऊपर अराइज हुआ है 15%, अदर देन डेप्रिसिएबल असेट 22%, 115BAB सबसेक्शन 6 जहां पे एओ को पावर है। आइए ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सब पेज नंबर 9 पे आइए, इफ द एओ ओपिनियंस दैट द कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन द कंपनी एंड द अदर पर्सन इज क्लोज कनेक्शन, ट्रांसफर प्राइसिंग तो साहब आपने मेरा देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो सर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर में देखेगा, इंटरनेशनल टैक्स का रिवीजन कराया, मजा आ जाएगा आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में, एंड क्लोज कनेक्शन देयर विद इज सो अरेंज्ड दैट बिजनेस ट्रांजैक्टेड बिटवीन देम
प्रोड्यूस मोर देन द ऑर्डिनरी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ही इज एम्पावर्ड टू टेक इन टू अकाउंट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज मे बी रीजनेबली डीम टू हैव डिराइव्ड. मतलब वो आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा. इन दिस इन द केस ऑफ अरेंजमेंट रिफर टू अबव इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन referred to in 92BA, then the amount of profit of such transaction would be determined by arm's length price. वो arm's length price use कर सकता है. The amount of being profit in excess of the profit determined by the AO shall be deemed to be the income of person. तो सर जितना फिर AO excess निकालेगा उसको देखेगा कि ये excess है, उस excess को आपकी income मान लिया जाएगा. This is the newest thing. और such income जो इसने excess income निकाली है that will be taxed at 30 plus 10 plus 4. The scope of specified domestic transaction referred to in 92BA has been expanded to include within its ambit any business transacted between such person with close connection where one such person is claiming the benefit of 115BAB. इसी के साथ साथ domestic जो आप देखेंगे domestic transfer pricing के जो provisions है उसके अंदर में 115BAB को भी scope दे दिया गया है. Yes or no Malik? Sir, तो अगर आप देखें मेरे हिसाब से यहां पे वही चीज दी हुई है. वापस से पेज नंबर 3 पे आए, चेक कर ले और वही चीज यहां पे शॉर्ट में लिखे. तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया वही चीज शॉर्ट में लिख ले, यहीं से बिल्कुल एज इट इज कॉपी करके रख दीजिए. इनकम ऑन विच कंसेशनल रेट इज एप्लीकेबल दैट इज 17.16 इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड और इंसिडेंटल टू एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग. यस ऑर नो? फिर उन्होंने पॉइंट नंबर 11 पढ़ने के लिए बोला है जिसमें 30% है. ये कौन सा हो गया? 115BAB सबसेक्शन 6 वाला. नेक्स्ट इनकम टैक्स रेट फॉर स्पेशल इनकम. स्पेशल इनकम के लिए क्या होगा? स्पेशल इनकम आर ऑलवेज चार्जेबल एट स्पेशल रेट प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस 4%. तो 111 ए, 112 ए एंड 112 के ऊपर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होंगे प्लस सरचार्ज प्लस सेस एप्लीकेबल होगा. टैक्स रेट ऑन इनकम अदर देन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो स्पेसिफिक रेट इज प्रोवाइडेड. अगर कहीं कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है मतलब अदर देन मैन्युफैक्चरिंग इनकम. मैन्युफैक्चरिंग है 15%, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है 22% प्लस 10% प्लस 4%. राइट? एंड जो इनकम 22% के ऊपर आ रही है उस रिस्पेक्ट में क्या डिडक्शन मिलेगा? यहां लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम नो डिडक्शन और अलावेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलावेंस शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम. तो जब ये 22% पे टैक्स की जा रही है इनकम तो इससे रिलेटेड कोई डिडक्शन एंड अदर अलाउंस आपको मिलने वाला नहीं है. इस बात को याद रखना होगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डिराइव कर रहे हैं ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड यहां पे 22%. यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड वाला अगर पॉइंट आता है तो वो कहां कवर हो जाता है? स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर ही कवर हो जाता है सर. तो मेरे हिसाब से या तो आप ये लिख लीजिए या इसकी स्पेसिफिक फोटो ले लीजिए, पॉइंट क्लियर हो जाएगा. इसका स्पेसिफिक फोटो ले लो या लिख लो, मेरे हिसाब से तो लिख लो. मैन्युफैक्चरिंग है तो 15, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है 22, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डेप्रिसिएबल असेट के ऊपर आ रहा है वो 15, नॉन डेप्रिसिएबल असेट वाला 22, एक्सेस प्रॉफिट जो आ रहा है उस पर 30%, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे होगा प्लस 10% प्लस 4%. मुझे ऐसा लगता है 115BAB के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आएगा, जहां पे आपको क्लियर कट लिखा होगा कि कंपनी ही दी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ही दी जाएगी और आपको ये सारी इनकम वहां पे बताई होगी और आपको क्या करना होगा? टैक्स कैलकुलेट करना होगा. तो बिल्कुल तैयारी से जाइएगा साहब. राइट? इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको जरूर 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 आने वाला है, मुझे ऐसा यकीन है. तो आप चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने ये सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया. हालांकि हमने ये पहले भी पढ़ा था, अभी हमने सिर्फ इसको क्या कर दिया, बता दिया. साथ ही साथ में ऊपर का आप ये पार्ट पढ़ोगे, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3. उन्होंने कहा हमने इसके पहले जो मॉड्यूल के अंदर में दिया था आप कृपया उसे इग्नोर करें और चुपचाप अनेक्स्चर 1 जो हमने दिया है वो पढ़े. तो उन्होंने खुद ने मॉड्यूल के अंदर में चेंज कर दिया, जो मैंने स्पेसिफिक 30% वाला पॉइंट आपको बताया उन्होंने चेंज कर दिया और नया रेट दे दिया है. तो मॉड्यूल में जो कुछ लिखा है उसे अब इग्नोर करें. अब ये रेट जो दिए हम ये फाइनल है, सारे करेक्शंस के बाद हम ये आपको दे रहे हैं, इसको आप शांति से फॉलो करें. पूरा सेक्शन यहां पर उन्होंने वापस से रीराइट कर दिया साहब. राइट?
चलिए, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो हमने अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 में डाला था, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने वहां पे किए हुए हैं। तो सो नो नीड, दिस इज ऑल्सो हैव बीन डन, दिस इज ऑल्सो डन, यस सर। तो सर आप देख सकते हैं हमारा डीटी वाला पार्ट अमेंडमेंट का पेपर 7 फॉर द पर्पज ऑफ नवंबर एज वेल एज डिसंबर 20 क्या हो चुका है मालिक, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है मालिक, कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल टैक्स की। किसकी बात करेंगे सर, इंटरनेशनल टैक्स की। उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं, आपको सुनना चाहिए मेरे हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा सर। सर इन इन रीसेंट टाइम्स मैं देख रहा हूं बच्चों ने असेसमेंट के जो मैंने लेक्चर डाले, इंटरनेशनल टैक्स के जो लेक्चर डाले, उन्हें बहुत पसंद किया, उनको बहुत ज्यादा मजा आया। और मैं आपको बताता हूं इसमें मजा आना भी था आपको, क्योंकि उसको उतना लॉजिकली प्रैक्टिकली समझाया गया था। ये सुनो, इंटरनेशनल टैक्स में आते आते मैं आपसे कुछ बातें जबरदस्त करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, सेफ हार्बर रूल्स। आपको याद होगा मुझे हमेशा से ऐसा लग रहा था कि सेफ हार्बर रूल्स आएगा। जब मैंने अभी इंटरनेशनल टैक्स का रिवीजन भी किया था, उस रिवीजन लेक्चर में जो ओपन है यूट्यूब पे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके अंदर में भी मैंने बोला था कि बॉस बहुत चांसेस हैं कि सेफ हार्बर रूल आ जाए आ जाए। इसी बीच गवर्नमेंट मे के अंदर में क्या करती है, सेफ हार्बर रूल नोटिफाई करती है। लेकिन क्लियर कट यहां पे आपको दिया हुआ है कि बॉस सेफ हार्बर रूल्स कहां तक क्या है, सॉरी आपको नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर कहां तक के कवर किए गए, 30 अप्रैल तक के कवर किए गए हैं। और मैंने भी आपको यही बोला था कि देखिए चांसेस कम है, हो सकता है आए या ना आए, इसके बारे में हमें आरटीपी ही बताएगा, राइट, या जुडिशियल अपडेट ही बताएंगे। तो जुडिशियल अपडेट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि सेफ हार्बर रूल आपको नहीं है। वैसे भी आपको बता दूं, सेफ हार्बर रूल अगर होते भी तो वो सेम ही थे, उसके अंदर में कुछ बदलाव नहीं आया। बट उनने क्लियर कट बोल दिया सेफ हार्बर रूल्स जो नए आए हैं वो आपको एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा उनने कहा है, राइट। और मैंने रिवीजन करते वक्त भी आपको क्लियर कट किया था कि ठीक है भले ये नहीं है, मैं आपको एडिशनली पॉइंट पढ़ा करके रख रहा हूं, मैं आपको एडिशनली पॉइंट पढ़ा करके रख रहा हूं, कुछ ज्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, कम पढ़ने में प्रॉब्लम है, बराबर है। तो सर उन्होंने क्लियर कट कर दिया, सेफ हार्बर रूल नहीं दिए गए हैं, जो नए आए हैं सेफ हार्बर रूल वो आपको एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल कंसिडर करने नहीं। हालांकि मैंने पढ़ा के रखा है, आपकी इच्छा है, देखिए ज्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, कम पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो ज्यादा पढ़ लेना, मेरे को मेरे हिसाब से अगर लगता है अभी भी पढ़ लो, अभी भी देख लो, मैंने तो मेरे रिविजन में आज भी रखा हुआ है बच्चों को ये क्लियर कट बोलते हुए, चाहे रेगुलर बैच हो, फास्ट ट्रैक बैच हो, रिविजन हो, तीनों टाइम पे मैंने ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करी है कि मुझे लगता नहीं है ये आना चाहिए। साथ ही साथ मैंने इसकी हिस्ट्री भी बताई थी कि जब सेफ हार्बर रूल लाया गया था 2017 से 3 साल के लिए अप्लाई किया था और 3 साल बाद न्यू सेफ हार्बर रूल नोटिफाई करने थे। हालांकि कोविड-19 सिचुएशन आ गया, इलेक्शंस आ गया और सारी इकोनॉमी स्लो डाउन सिचुएशन आ गई, वो सेफ हार्बर रूल नोटिफाई करने में लेट हो गए। मैंने ट्विटर पर कई बार लिखा कि सर प्लीज सेफ हार्बर रूल नोटिफाई कीजिए, हालांकि गवर्नमेंट के अपने प्रॉब्लम थे, उनने सेफ हार्बर रूल नोटिफाई नहीं किया। फिर जब जाके मई 2020 में उनने सेफ हार्बर रूल नोटिफाई किया तो वो एग्जिस्टिंग को ही उनने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ये सुनो, उनके पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं था, खैर खुशखबरी की बात ये है आपको इसे कंसिडर नहीं करना है। स्टिल मैंने पढ़ा के रखा है, आप देख सकते हैं नए सेफ हार्बर रूल आपको एप्लीकेबल नहीं है। सर आ जाइए इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग। ये जो इंटरनेशनल टैक्स का ट्रांसफर प्राइसिंग पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा सर, मुझे लगता है इसके अंदर में काम की चीज है। ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड अमेंडमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड रिविजन लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी डाले हैं। मैं आप सबको कहूंगा कि प्लीज एक बार वो देख लेना, आपको भयानक मजा आ जाएगा सर, भयानक मजा आ जाएगा। साथ ही साथ में ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या अमेंडमेंट आया है जरा ध्यान से सुनिए। ये एक्चुअली नोटिफिकेशन नंबर 76/2019 था और बहुत प्रैक्टिकेबल था ये आना, जरा ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट रिलेट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट से। क्या है सर ये, प्रयाद होगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी एडजस्टमेंट और सेकेंडरी एडजस्टमेंट होती है। सर प्राइमरी एडजस्टमेंट के तहत एओ आपकी इनकम को कंप्यूट करता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट के तहत आपको जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन किया उससे मनी रिपैट्रिएट करना होता है। कितने दिन के अंदर मनी रिपैट्रिएट करना होता है सर, 90 डेज के अंदर में मनी रिपैट्रिएट करना होता है। किया तो ठीक, नहीं किया तो क्या, अगर रिपैट्रिएट नहीं किया तो यहां अमेंडमेंट था,
यहां अमेंडमेंट था, यहां अमेंडमेंट यह था पॉइंट नंबर वन कि इस अमाउंट को आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बराबर है। दूसरी बात, इसमें क्या अमेंडमेंट आया था याद करो, इसके अंदर में अमेंडमेंट आया था कि आप नहीं दे सकते तो सर क्या करो, अपने किसी भी दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइजेस से पैसा लेकर के आओ। तीसरी बात थी इसके अंदर में कि सर मान लो दूसरा एसोसिएट एंटरप्राइजेस के पास भी पैसा नहीं है, वो कहता है मेरे पास तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? अगर उसके पास भी पैसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने कहा आप इसके ऊपर प्रॉफिट पे कर दो, आप इसके ऊपर टैक्स पे कर दो और हम उसका अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट चाहेंगे ही नहीं। तो तीन ऑप्शन दिए थे सर आपको, एक ऑप्शन उससे 90 दिन के अंदर में रिपैट्रिएट करो, नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज करना चालू करो, ट्रीटिंग इट एज लोन। दूसरा ऑप्शन, अगर वो एसोसिएट एंटरप्राइजेस पैसा नहीं दे रहा है, किसी भी दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइजेस से पैसा लेके आओ। ऑप्शन नंबर तीन, अगर दूसरा एसोसिएट एंटरप्राइजेस भी बोलता है सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, या दूसरा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है ही नहीं, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप खुद इसको पे करो और मैटर ओवर, हमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना। ये अमेंडमेंट तो इसके अंदर में हुआ ही था। अब एक इशू कहां था, इशू ये था कि सर 90 डेज के बाद इंटरेस्ट लगाया जाता है, अब ये इंटरेस्ट काउंट कहां से करेंगे, इस बात के ऊपर क्लैरिटी नहीं थी। और जब भी कोई क्लैरिटी नहीं हो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आता है, क्लैरिटी किस बात के लिए चाहिए थी कि ये जो इंटरेस्ट के नंबर ऑफ डेज काउंट करने, ये कहां से काउंट करें, आफ्टर 90 डेज और फ्रॉम स्टार्टिंग, After 90 days और from starting, गवर्नमेंट ने बोल दिया from the starting, मतलब गवर्नमेंट किसी भी तरीके से बख्शने नहीं वाली है, क्लियर कट दिख रहा है। सो लेट्स से सर रिपैट्रिएशन होता है 100 डेज पे, रिपैट्रिएशन होता है कितने पे, 100 डेज पे, तो क्या 10 दिन का लगेगा या पूरे 100 डेज का इंटरेस्ट लग जाएगा? पूरे 100 डेज का इंटरेस्ट लग जाएगा। जबरदस्त अमेंडमेंट, रिक्वायर्ड ऑफ द टाइम, ऑफेंडर्स के लिए बहुत अच्छी चीज मेरे हिसाब से। सो चेक कीजिएगा, 92CE requires repatriation within the prescribed time. Prescribed time कितना था? 90 days. Within the prescribed time of the excess money or part thereof as the case may be, which is available with the associated enterprises in case where as a result of primary adjustment to the transfer price, there is an increase in total income or reduction in loss as the case may be of the assessee. If excess money or part thereof is not repatriated to India within the prescribed time, it shall be deemed to be an advance made by the assessee to such associated enterprises and interest on such advance shall be computed in the prescribed manner. Ab ye manner prescribe kar diya unhone, ye raha. The CBDT had void this notification, amended the rule 10CB which prescribed the time limit for repatriation of excess money or part thereof on or before 90 days from the specified date. The 90 days should be recouped from the date specified in column number 2 in the case mentioned in column number 1. Further, the date from which interest is chargeable on excess money which is not repatriated is given in table number 3. ध्यान से सुनिएगा प्रभु क्या कह रहे हैं वो। सर दे आर सेइंग इंटरेस्ट कब से चार्ज करना है, यह थर्ड कॉलम में लिखा है, कब तक रिपैट्रिएशन हो जाना चाहिए और केस क्या क्या है। इस पॉइंट को बहुत इजीली समझते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट किस तरीके से हो सकती है यह समझ लीजिए। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं तो सर ओवरऑल 5 तरीके से हो सकती है। एक स्यू मोटो कैलकुलेशन कर सकता है एओ ट्रांसफर प्राइसिंग का, बराबर है। Point number 1, where the primary adjustment to transfer pricing has been made suo moto by the assessee in his return. So sir, jahan pe suo moto assessee ne kar diya, time limit kya thi repatriation ki? Within 90 days. 90 days kahan se count karte the? From the due date of filing return under 139(1). Barabar hai? Ab, date from which interest should be charged. Ab interest kahan se charge kiya jayega? Pehle log sochte the 90 days ke beyond. Unne is baat ko clarify kar diya. कॉलम नंबर 3 में कि यहां 90 डेज कहां से काउंट, इंटरेस्ट के लिए कहां से काउंट किया जाएगा, 90 डेज के बाद से नहीं, उनने क्लियर कट ये ड्यू डेट डाल दी। चेक कीजिए आप, यानी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर 139(1).
अगर आपने या 90 डेज कहां से काउंट करने थे, रिटर्न फाइलिंग की डेट से, अगर सुमोटो एसएससी ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया तो बराबर है। अब अगर आपने 90 डेज के अंदर में रिपैट्रिएशन नहीं किया तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा, अगेन फ्रॉम द ड्यू डेट आपको इंटरेस्ट लग जाएगा सर, जिसका मतलब पूरे 90 डेज भी काउंट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट, इतना ही है। दूसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है, दूसरी एडजस्टमेंट हो सकती थी एओ ने या अपीलेट अथॉरिटी ने उसको कैलकुलेट किया है। इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइसिंग इज डिटरमाइंड इन एन ऑर्डर ऑफ एओ, एओ ने असेसमेंट करी और असेसमेंट ऑर्डर के अंदर में निकाला है, तो 90 डेज काउंट किया जाता था फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। इंटरेस्ट कहां से लगेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर डायरेक्ट, मतलब वो 90 डेज भी इंटरेस्ट के लिए क्या कर लेने के, काउंट कर लेने के। तीसरा हो सकता है, आपने एपीए के अंदर में एंटर किया था 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ रिटर्न अंडर 139, सेम चीज यहां पे द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर 139 किया गया है। वेयर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय एसएससी एज पर सेफ हार्बर रूल्स, सेफ हार्बर रूल्स के तहत आपका क्या निकला था, ट्रांसफर प्राइसिंग निकला था, 90 डेज हम रिटर्न से काउंट करते थे, यहां पे भी वही करना है, या फिर म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर या डीटीडब्ल्यू के तहत निकला था, तो ऐसे केसेस में 90 डेज द डेट ऑफ गिविंग द इफेक्ट बाय द एओ कहा जाता था, वहीं से किया जाएगा। कुल मिलाकर के इसे शॉर्ट से समझना है तो अब ये समझ लीजिए, इंटरेस्ट कहां से काउंट किया जाएगा, एक्सेस डे का काउंट किया जाता है या ओवरऑल पीरियड का काउंट किया जाएगा। सर ओवरऑल पीरियड का काउंट किया जाएगा अगर 90 डेज में रिपैट्रिएशन नहीं हुआ। अच्छा जी सर, द प्रिस्क्राइब रेट एट विच इंटरेस्ट शुड बी चार्ज, इंटरेस्ट क्या रेट पे चार्ज किया जाएगा वो यहां पे बताया हुआ है सर, चेक कीजिएगा। द प्रिस्क्राइब रेट एट विच पर एनम इंटरेस्ट इनकम शुड बी कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेलियर टू रिपैट्रिएट इंटरेस्ट वुड बी कंप्यूटेड एट 6 month LIBOR एज ऑन 30th September प्लस 3% वेयर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन रुपीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी शैल बी टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांजैक्शन इज अंडरटेकिंग। सो टीटीबीआर आपको लेना है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांजैक्शन इज टेकन, राइट सर। अच्छा जी सर, अमेंडमेंट इन रूल 10DA, सर ये 10DA क्या था, सर दिस वॉज मास्टर फाइल, रूल 10DA मास्टर फाइल की बात करता है, ध्यान से सुनिएगा रूल 10DA किस बारे में बात करता है। सबसे पहले मास्टर फाइल क्या था, इसके पीछे की हिस्ट्री समझ लीजिए और हिस्ट्री समझने के बाद आपको ये एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। सर 2014, ध्यान से सुनिए, हर चीज लिंक्ड है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज उठा करके डाल दी या मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये ऐसा है इसके लिए ये हो रहा है, हर चीज के पीछे का लॉजिक है और कुछ हिस्ट्री है जो लिंक से जुड़ी हुई है। इंटरनेशनल टैक्स भी जब हम पढ़ते हैं तो उतने ही मजे से पढ़ते हैं, आपने फास्ट ट्रैक में भी देखा होगा हमने इंटरनेशनल टैक्स उतने ही मजे से पढ़ा। ध्यान से सुनिएगा सर क्या हुआ, हुआ ये 2014 कांग्रेस गवर्नमेंट, 2014 कांग्रेस गवर्नमेंट जाने वाली थी और मोदी जी आने वाले थे, तो यू नो एजेंडा ये चल रहा था कि जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था ब्लैक मनी लेके आओ, ब्लैक मनी भारत से बाहर है लेकर के आओ, भारत से बाहर ब्लैक मनी है लेकर के आओ, बराबर है। लेकिन ध्यान से सुनिए, पूरी सीक्वेंस सुनिएगा, लेकिन इसी साथ में इसी टाइम पे एक और पॉइंट मैं भूल गया, वापस से बोलता हूं, 2014 के अंदर में जब इलेक्शन होने वाले थे तब मोदी गवर्नमेंट जोर जोर से चिल्लाता रहा कि बहुत सारा ब्लैक मनी बाहर है उसको इंडिया में रिपैट्रिएट करो, इंडिया में लेकर के आओ। इसी में साथ दिया बाबा रामदेव ने भी कि ब्लैक मनी भारत के बाहर है लेकर के आओ लेकर के आओ लेकर के आओ। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि भारत के बाहर कितने लोगों का पैसा पड़ा है, भारत के बाहर कितने लोगों का पैसा पड़ा है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ही इनकम टैक्स के अंदर में नहीं थी कि आप रिटर्न भरें और बताएं कि मेरे प्रॉपर्टी वहां है, मेरा असेट वहां है, मेरा साइनिंग अथॉरिटी वहां है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। यही वो रीजन था जब 139(1) को अपडेट किया गया, सॉरी 139 रीड विथ 139(1) को अपडेट किया गया और कहा गया उन लोगों को भी रिटर्न भरना है हु हैव असेट साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया इधर एज अ बेनिफिशियरी और एज अ बेनिफिशियल ओनर। आपको याद होगा ये चीज रिटर्न में, ये सुनो। अच्छा जी सर, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे ओईसीडी की गाइडलाइंस अपडेट हुई, 2017 आया, ओईसीडी ने अपनी गाइडलाइंस को अपडेट किया और इस गाइडलाइंस के तहत आपने बेप्स गाइडलाइन पढ़ी होगी, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसके आर्टिकल कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके आर्टिकल कहते हैं सर कि आपको क्या करना है, आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड
फाइल मेंटेन करनी होगी। इसके तहत इंडिया में अमेंडमेंट होता है, सबसे पहले लोकल फाइल मेंटेनेंस की बात होती है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में अमेंडमेंट होता है 2018 के अंदर में, राइट। जिम्मा उठाते हैं श्री अरुण जेटली साहब, अरुण जेटली साहब, लेट श्री अरुण जेटली साहब, इस तरह के बिग डिसीजन लेने के लिए हमेशा जाने जाएंगे, हमेशा जाने जाएंगे। तीन लोगों के एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर, एक प्रणब मुखर्जी साहब, दूसरे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने जितना बड़ा टैक्स रिफॉर्म लाया, इतना बड़ा रिफॉर्म लाने की हिम्मत अब तक के किसी ने नहीं करी। दूसरे प्रणब मुखर्जी साहब, तीसरे अरुण जेटली साहब। भयानक अमेंडमेंट 2018, याद करेगा सर कि उन्होंने अमेंडमेंट लेकर के आया, उन्होंने टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर में लोकल फाइल बढ़ा दी, लोकल फाइल डाल दी, और साथ ही साथ में बात कर दी कि हम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी और पेरेंट एंटिटी के लिए भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लाएंगे। इसी के तहत एक और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है पेरेंट एंटिटी के लिए, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। याद होगा आपको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग अटेम्प्ट के अंदर में पूछ भी लिया है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन अब भी एओज असेसमेंट नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनल टैक्स का, ट्रांसफर प्राइसिंग का। सर असेसमेंट क्यों नहीं कर पा रहे थे, मैं आपको समझाता हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, असेसमेंट क्यों नहीं कर पा रहे थे। मान लीजिए सबसे पहले एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस प्रूफ करना होगा, मेरा अगर किसी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, लेट्स से आई हैव अ ट्रांजैक्शन विद विशाल भट्टर सर हु इज सिटिंग इन एन अनदर कंट्री, और आई हैव अ ट्रांजैक्शन विद जय चावला सर हु इज सिटिंग इन एन अनदर कंट्री। नाउ प्रॉब्लम इज असेसमेंट करने का आपको मेरे पास राइट है, आप उनकी डिटेल चेक कर सकते हो कि आंसर इज नो। यहां एओ को लिमिटेशन आ जाता था, यहां एओ को लिमिटेशन आ जाता था क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इंडियन लॉस के अंदर में जहां पे वो ये बताया जाए कि आपकी कहां कहां पे क्या है एंटिटी है, आपकी स्ट्रेटेजीज किस तरीके से वर्क करती है, आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ओवरऑल ग्रुप का टर्नओवर क्या है, इसकी डिटेल पता ही नहीं चल पाती थी। असेसमेंट क्या करता था, कैसे प्रूव करते थे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, कैसे आप पता लगाते थे कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना प्रॉफिट यहां से वहां शिफ्ट हुआ है, बेस इलोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये टॉपिक सीए फाइनल में लाने से, सीएमए फाइनल में लाने से कुछ नहीं होगा, पहले प्रूव तो होना चाहिए बेस इरोड होकर प्रॉफिट शिफ्ट हुआ है, पर ऐसा कुछ हुआ है उसके लिए आपको उनकी कंपनी की कंप्लीट डिटेल लेनी पड़ेगी, उनकी कंप्लीट मास्टर फाइल लेनी पड़ेगी कि कहां कहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, कितने कंट्रीज में, कितने स्पेसिफाइड एरियाज के अंदर में आपकी एंटिटी वर्क कर रही है, ओवरऑल ग्रुप रेवेन्यू क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट स्ट्रेटेजीज क्या है। यह बात की कमी थी, ये बात की कमी को पूरा किया गया 2018 और 2019 दोनों साल में कुछ कुछ मिलाकर के, और आपको रिक्वायरमेंट आई मास्टर फाइल मेंटेन करने की। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है विच एट सम टाइम इज ऑल्सो पेरेंट एंटिटी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो जो भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें मास्टर फाइल भी मेंटेन करना पड़ेगा इफ दे एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। तो प्रिस्क्राइब लिमिट भी आ गई, प्रिस्क्राइब लिमिट में मैं आपको बता देता हूं, ओवरऑल ग्रुप रेवेन्यू 5000 CR के ऊपर होगा तो आपको क्या करनी थी, मास्टर फाइल भी मेंटेन करनी पड़ती थी। अब आप ये पूछेंगे मास्टर फाइल में क्या मेंटेन करना था, इसके लिए सर रूल आया था, रूल 10DA जो आपको बताता था कि सर मास्टर फाइल के लिए आपको क्या मेंटेन करना था। सर एक फॉर्म आया 3CEAA, फॉर्म 3CEAA जिसके तहत आपको पूरी मास्टर फाइल और उसकी डिटेल मेंटेन करनी पड़ती थी। प्रैक्टिकली हम लोगों ने इसके ऊपर एक बार वर्क किया है तो मैं आपको बता सकता हूं ये क्या है। Rule 3CAA अगर आप देखोगे वही पूरा फॉर्म आपको सेक्शन के रूल के रूप में डाला है, मैं अभी आपको दिखाता हूं, वही पूरा फॉर्म आपको रूल के रूप में डाला है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा सीधा फॉर्म दिखा के, सुनिए हमने इसके ऊपर वर्क किया है। Rule 3CAA राइट दो पार्ट के अंदर में आता है, टेक्निकली ये फॉर्म है Rule 10DA का, ये फॉर्म है जिसको अदर प्रैक्टिस लैंग्वेज में Rule 3CAA भी बोला जाता है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, प्रैक्टिस लैंग्वेज में भी ये बोला जाता है। हालांकि अगर आप थ्योरी से जाने हैं तो रूल है 10DA और फॉर्म नंबर है 3CAA। फॉर्म में दो पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी।
पार्टी आपका जनरल बातें करता है, पार्टी आपका जनरल बातें करता है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का सिन नंबर क्या है, कंपनी का पैन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, जो बाय डिफॉल्ट में हर कंपनी को देना ही है, वेदर दे आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन और नॉट, वेदर दे आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन और नॉट। और इस फॉर्म का पार्ट बी उसी कंपनी को भरना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, जो ये रूल्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो रूल कहता है, फॉर्म कहता है कि पार्ट दो, पार्ट ए कंपनी की जनरल डिटेल जिसे आप केवाईसी डिटेल भी बोलते हो, और पार्ट बी उन लोगों को देना है मास्टर फाइल के रूप में जहां पे इनकी कंडीशंस आप क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये यहां लिखी हुई है कंडीशन, अगर आप ये सेटिस्फाई करते हैं तो उस फॉर्म का पार्ट बी भी आपको भरना है। फॉर्म बी के अंदर में क्या क्या होता है, आइए फॉर्म ही दिखा देता हूं मैं आपको। ये है फॉर्म 3CAA। मैं सर, मैंने आपको पहले ही बोला पढ़ेंगे तो हद कर देंगे वरना प्रोग्राम रद्द कर देंगे, और मैं तो सर प्रैक्टिस वाला बंदा हूं तो प्रैक्टिकल तो मेरे को देना सर धर्म है, आप ये समझ लीजिए मेरा तो धर्म हो जाता है। फॉर्म 3CAA, इसके दो पार्ट बनते हैं। एक होता है बेटा पार्ट ए जिसमें कंपनी के बेसिक डिटेल लिखे हुए होते हैं, चेक कर ले, नेम, एड्रेस, इंटरनेशनल ग्रुप क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका अकाउंटिंग ईयर क्या है, यू नो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, वो कहां कहां पे सिचुएटेड है, उनके केवाईसी डिटेल, ये सारी चीजें आपको यहां पे लिखनी होती है। पार्ट ए सभी को भरना है, हर कंपनी को भरना है, वेदर आप इसके अंदर में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, हर इंटरनेशनल कंपनी को ये पार्ट देना है। पार्ट बी के अंदर में क्या होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, उनका पैन नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो कहां कहां पे है। इस डिटेल से एओ को पता चल जाएगा कि कितने लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है। सर एक सवाल है जो मुझे पूछना है, मान लो आपको पता भी चल गया, लेट्स से साउथ अफ्रीका के अंदर में कंपनी है, आपको पता चल जाता है एज एओ कि साउथ अफ्रीका की कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो क्या इंडियन एओ उस साउथ अफ्रीकन कंपनी का कुछ कर पाएगा? हां कर पाएगा। आप ये पूछेंगे सर कैसे कर पाएगा, डीटीडब्ल्यू जब इंडिया किसी भी कंट्री के साथ साइन करता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का पावर होता है, जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का पावर होता है। तो यहां बैठा हुआ एओ अब अगर उसके पास मास्टर फाइल है, उसे इस कंपनी के बारे में पता है कि इसकी इस कंट्री के अंदर में क्या है, एंटरप्राइजेस है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, अब वो ये चेक करेगा उनके साथ ट्रांजेक्शन हुए या नहीं, अब असेसमेंट एक्चुअल असेसमेंट होगा। जो 2018 में अमेंडमेंट ना लाया होता तो आज ये चीज ना होती। अब क्या करेंगे, अब वो चेक करेगा साउथ अफ्रीकन के साथ क्या किया गया है, कोई ट्रांजैक्शन किया गया है। अब अगर उसको साउथ अफ्रीकन कंपनी की भी डिटेल मंगानी है कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ, कितना प्रॉफिट शिफ्ट हुआ है, इस चीज को देखने के लिए वो क्या करेगा, डीटीडब्ल्यू का इस्तेमाल करेगा। डीटीडब्ल्यू का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन मंगाएगा और असेसमेंट को पूरा करेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग को एक्चुअल मीनिंग देगा। दूसरा सवाल, सर मान लीजिए साउथ अफ्रीका के साथ हमारा डीटीडब्ल्यू नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टिया, टिया टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट, पेपर 6C वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, पेपर 7 वालों के पास में होगा नहीं होगा डिपेंड करता है, आपने मेरे साथ पढ़ा होगा, तो मैंने तो आपको टिया भी पढ़ाया है, भले ही पेपर 7 में हो ना हो पर मैंने आपको टिया भी पढ़ाया है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। ये उन कंट्रीज के साथ होता है जो हमारे साथ डीटीडब्ल्यू नहीं करती पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ तो होता ही होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। जिन कंट्रीज के साथ हमारा डीटीडब्ल्यू नहीं होता उनके साथ हम टीआ कर लेते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब एओ टीआ के तहत इंफॉर्मेशन मंगाएगा। सर मान लो ना डीटीडब्ल्यू है ना टीआ है, और टीआ होने के बाद वो कंपनी, वो जो कंट्री है वो डिटेल ही नहीं दे रही है, अब क्या करेंगे, अब एओ सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि ये कंट्री जो है इस असेसी की डिटेल नहीं दे रही है। हां तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी, नाजायज डिक्लेयर कर देगी। सर नाजायज एनजेए, नॉन, बोलो बोलो बोलो, एनजेए डिक्लेयर कर देगी, नॉन ज्यूरिडिकल एरिया डिक्लेयर कर देगी उस कंट्री को, और उस कंट्री को हम डिबार कर देंगे। अब किसी भी कंपनी ने उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया जो एनजेए में सिचुएटेड है, ना जायज, याद आ रहा है लेक्चर के अंदर में हमने इसे ऐसे याद किया था, अगर इसके साथ उस कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन किया जिस कंट्री में ये यू नो जिस कंट्री को इंडिया ने एनजेए डिक्लेयर किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में ना सेफ हार्बर रूल का बेनिफिट मिलेगा, ना वो 3% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ट्रांसफर प्राइसिंग के बहुत सारे बेनिफिट उनको क्या कर दिए जाएंगे, अवॉइड करवा दिए जाएंगे। हेंस मास्टर फाइल लाया गया। अब सर चेंज क्या है, कुछ भी नहीं, ये क्लियर कट आपको बता रहा है, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के क्या क्या अपडेशन करने हैं और मास्टर फाइल के नाम पे क्या क्या मेंटेन करना है। अब यहां पे जो लिखा है ना, मैं क्लियर कट आपको बताता हूं, ये देखो यही सारी बात पार्ट बी पे आओ,
यही सारी बात आपको एज इट इज वहां पढ़ने को मिलेंगी, लिस्ट ऑफ एंटिटीज, दूसरा चार्ट डिसिपेटिंग लीगल स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड एंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, रिटर्न डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ प्रॉफिट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई चेन लिस्ट एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंपॉर्टेंट सर्विस अरेंजमेंट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ मेन सर्विस प्रोवाइडर विद इंटरनेशनल ग्रुप, ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज फॉर एलोकेटिंग सर्विसेज और कॉस्ट, लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर ज्योग्राफिकल मार्केट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरी लिस्ट यहां पे आपको दे दी है, यही चीज उठा करके आपके रूल्स के अंदर में डाल दी, चेक कर लीजिए साहब। मास्टर फाइल यहां से पढ़िए, पेज नंबर 24 से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। द फाइनेंस एक्ट 2019 सब्स्टिट्यूटेड 92D टू प्रोवाइड इंटर एलिया दैट एवरी पर्सन बींग अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप हैज टू कीप एंड मेंटेन the prescribed information and document in respect of an international group. Thus, the constituent entity has to keep and maintain such prescribed information and document irrespective of the fact whether or not any international transaction is undertaken by such constituent entity. Constituent entity को ये detail देनी होगी, भले उसने कोई international transaction carry out किया हो या नहीं किया हो. Constituent entity has to furnish the prescribed information as per section 286 subsection 1 in the prescribed manner on or before the prescribed date. ये law लिखा हुआ था, अब वो सब चीजें prescribe हो गई है. The consequent to the amendment, CBDT has wide notification amended rule 10DA which now provides क्या क्या maintain करना है. Rule provides that किसको और कब, every person who is a constituent entity of an international group shall, if consolidated group revenue, if consolidated group revenue of an international group of which such person is a constituent entity as reflected in the consolidated financial statement exceed 500 crore, sorry, मैंने 5000 बोल दिया था, it was 500 crore, and the aggregate value of international transaction during the accounting year as per books of account exceed 50 crore, यानी अगर आपका international transaction 50 crore से ऊपर जा रहा होगा as per books of account, or in respect of purchase, sale, transfer, lease of an intangible property during the accounting year as per books of account exceed 10 crore. इन दोनों के बीच में आपको और है, इन दोनों के बीच में and है, मतलब किसको मास्टर फाइल मेंटेन करनी है, मास्टर फाइल उसको मेंटेन करनी है जिसका कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ के ऊपर है, एंड इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जहां उसका ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 50 करोड़ के ऊपर जा रहा है, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज सेल लीज यूज ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है, इसे मास्टर फाइल मेंटेन करनी है। शेल कीप एंड मेंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट एज ऑफ अ इंटरनेशनल ग्रुप। अब द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन रुपीज, अब जरा समझिएगा, जब आप मास्टर फाइल मेंटेन कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम क्या और आ सकती थी कि सर वो जो है डिटेल्स जो है दूसरे कंट्री की वो उनके करेंसी में लिखी होगी, उसे इंडियन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में पलटना होगा, इस पलटने के लिए रेट क्या यूज करें, इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया है। द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन रुपीज ऑफ द कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू इन फॉरन करेंसी शैल बी TTBR on the last day of accounting year. Accounting year के last day के ऊपर में जो भी TTBR rate होगा उसके basis पे आप convert करेंगे sir, ठीक है। Part A, वही part लिखा है। Part A क्या होता है? मैंने आपको form दिखा दिया, KYC detail. Part A of form 3CEAA, that is master file, however shall to be furnished by every person being a constituent entity whether or not above is condition is satisfied. Rule कहता है sir, condition satisfied हो नहीं हो, KYC detail तो आपको पूरी की पूरी देनी ही है। Part B उन्हीं को भरना है, Part B उन्हीं को भरना है जो condition को satisfy कर रहे हैं, clear cut, याद रखिएगा आप। Information and documents required to be kept and maintained, क्या क्या maintain करना होगा, मैंने अभी आपको दिखाया list of constituent entities, strategies, उनके सारे डिटेल आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी, चेक कीजिएगा क्या क्या आपको मेंटेन करना है। लिस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप अलोंग विद देयर एड्रेस, ये देख लीजिए, ये फॉर्म के अंदर में है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी अलोंग विद देयर एड्रेस, समझ में आया रूल का एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अ चार्ट डिपिसिटिंग लीगल स्टेटस, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस इट्स नेचर,
ड्राइवर्स ऑफ प्रॉफिट, सप्लाई चेन, लिस्ट ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विसेज एंड अरेंजमेंट, केपेबिलिटीज ऑफ मेन सर्विस प्रोवाइडर, डिटेल्स अबाउट द ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी फॉर एलोकेटिंग सर्विस कॉस्ट, लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर ज्योग्राफिकल मार्केट, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शंस परफॉर्म एंड असेट्स एम्प्लॉयड एंड रिस्क अज्यूम्ड। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन पता है कहां कहां काम आती है? फार एनालिसिस करने पे। फार एनालिसिस, फंक्शन असेट्स एंड रिस्क एम्प्लॉयड, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है? आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अभी तक के ऐसी कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब मास्टर फाइल के तहत उन्हें ये डिटेल मिल जाएगी, कंपनी से ही डिटेल लेंगे और एओटीपी कैलकुलेट करेंगे। अब तक ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। हमने लॉ तो ला लिया था ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड, ओईसीडी की गाइडलाइन भी हमने मान ली थी, लेकिन इंडिया में इसे अप्लाई नहीं किया जा रहा था। मैं आपको बताऊं, 2018 में ही अरुण जेटली साहब इसे क्या करना चाहते थे, अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन लेकिन कंपनीज ने रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, इंडिया इतने जल्दी इन चेंजेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसे डिले किया गया था 2019 पे। 2019 आया, फाइनली निर्मला सीतारमन जी ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया एंड ये आ गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप फॉर डेवलपमेंट ओनरशिप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, लिस्ट ऑफ ऑल एमिनिटीज, ये सारी चीजें बिल्कुल वही है। ये देख लो पॉइंट नंबर 5, लिस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, इंपॉर्टेंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, सारा का सारा पूरा वही जितने पॉइंट थे एज इट इज उठा करके यहां डाल दिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, पूरा वही पॉइंट एज इट इज फॉर्म 3CE AA बोला आपको लर्न करने को। मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल लर्न करके टाइम वेस्ट मत करना, आपको बिल्कुल वही चीजें लर्न करने बोलिए, मैं आपसे कहूंगा मत करना। कॉपी ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिलैटरल एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। ठीक है सर, ये एक पार्ट मुझे ऐसा लगता है जो उनने कहा है कि क्या क्या डिटेल मेंटेन करनी है मास्टर फाइल में, ये आप अवॉइड भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, एक बार देख लेना। वैसे इतनी लंबी लिस्ट याद नहीं हो सकती, तो प्लीज फुटाइल एक्टिविटी करना मत। ये काम की चीज कब तक के ये रिपोर्ट फर्निश करनी है? फॉर्म 3CE AA, हम इसे ऑफिस में प्रैक्टिस में रूल 3CE AA भी कहा कहते हैं। ये कब तक के फर्निश करनी है? क्लियर कट देख लीजिए सर, द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म 3CE AA टू द JC एज प्रिस्क्राइब एंड डेजिग्नेटेड बाय द रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बाय DGIT एंड इट शेल बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सो रिटर्न भरने से पहले आपको क्या करना है, ये प्रोवाइड करना है। ठीक है सर, सबसेक्शन 4 और 5 क्या कहता था रूल का, मैं ये भी बता देता हूं। अब मान लीजिए एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी अगर है इंडिया के अंदर में, अब इंटरनेशनल ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप जो होता है ये वाइडली फैला हुआ होता है, मल्टीपल बिजनेस के अंदर में होता है, तो होता है ऐसा कि एक से ज्यादा यू नो एंटिटी इंडिया में हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, लेट से एक ए बिजनेस में दूसरा बी बिजनेस के अंदर में, तो सवाल ये उठता है कि फिर ये मास्टर फाइल मेंटेन कौन करेगा? इस बारे में 4 और 5 सब रूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं इट इज द कंपनी हु विल डेजिग्नेट हु विल डू द कंप्लायंस एंड whomsoever is so designated shall communicate it to department 1 month prior to the due date। मतलब जिसको भी फिर designated किया गया है, right? Let's say shell company इंडिया के अंदर में ऑपरेट कर रही है, shell is into multiple business, let's say इनके दो constituent entity इंडिया के अंदर में वर्क कर रहे हैं। अब shell क्या करेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, shell दोनों में से एक को constituent entity बनाएगा, बोलेगा तेरे को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूरी करने की है। साथ ही साथ में शेल ने जिसको कम्युनिकेट किया है वो कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रायर कम्युनिकेशन दे देगी रिटर्न भरने से पहले कि कौन ये कंप्लायंस कर रहा है। यही लिखा है 4 और 5 में, चेक कीजिएगा। वेयर देर आर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज रेसिडेंट इन इंडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप देन फॉर्म 3CEAA मे बी फर्निश बाय एनी वन इफ द इंटरनेशनल ग्रुप हैज डेजिग्नेटेड, अगर उन्हें डेजिग्नेट किया है तो वही करेंगे, एंड द इंफॉर्मेशन has been conveyed to the joint commissioner in form 3CEAB in this behalf at least 30 days before the due date of furnishing return or furnishing this 3CEAA। 30 दिन पहले ही उनको एक और फॉर्म भर के बताना होगा कि हमें डेजिग्नेट किया है और हम क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट आता है सबसेक्शन सिक्स जो कहता है कितने सालों के लिए आपको ये मेंटेन करना है। सर बहुत लॉजिकल 8 ईयर्स के लिए आपको मेंटेन करना है। ये इंटरनेशनल के केस में है क्योंकि फेमा भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए ही बोलता है। द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट शैल बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कितने साल के लिए मेंटेन करनी होती है? 6 असेसमेंट ईयर। इंटरनेशनल से रिलेटेड 8 होता है क्योंकि फेमा में भी 8 आपको कहीं ना कहीं कंप्लायंस के अंदर में आता है। चलिए सर, इज दैट डन? आइए लास्ट पार्ट पे चल लेते हैं। अमेंडमेंट इन रूल 10DB क्या है जरा समझते हैं। सेक्शन 286 कंटेन द प्रोविजन ऑफ फर्निशिंग द रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म और बिफोर द डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब। द सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन अमेंडेड द रूल 10DB विच नाउ प्रोवाइड प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ 286। तो सेक्शन 286 के लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से बोला था लेकिन किसको ये देना है ये नहीं बताया था। तो अब उनने बोल दिया इट शैल बी गिवन टू ज्वाइंट कमिश्नर हु इज बीन सो डेजिग्नेटेड बाई DGIT रिस्क मैनेजमेंट। सर क्या DGIT ऐसे किसी ऑफिसर को असाइन कर सकता है? यस, इनकम टैक्स अथॉरिटी का मेरा चैप्टर देख लेना, वहां पर आपको बताया गया है कि यह डेजिग्नेट कर सकता है। तो ज्वाइंट कमिश्नर को डेजिग्नेट किया गया है, हो सकता है एमसीक्यू के तौर पे आपको पूछ ले, बहुत छोटा सा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। 10DB प्रोवाइड्स दैट द नोटिफिकेशन शैल बी मेड इन फॉर्म 3CEAC 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट फर्निश करने से पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म देना है, फॉर्म 3CEAC टू द ज्वाइंट कमिश्नर। द प्रोविजन टू सेक्शन 286 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट वेयर देर आर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेसिडेंट इन इंडिया द रिपोर्ट हैज टू बी फर्निश बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी सो डेजिग्नेटेड इफ द इन्फॉर्मेशन हैज बीन कन्वेड इन राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप। अगेन वही, एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है तो किसी एक को डेजिग्नेट करना होगा। एंड accordingly sub rule 5 of rule 10DB has been substituted to provide that information required to be conveyed under the proviso to section 286 subsection 4 regarding the designated constituent entity shall be furnished in form 3CEAE। sirf form bataya gaya hai ki kya karna hai 286 se related and aapko ye bataya hai kisko submit karna hai, koi badi baat nahi hai, padho nahi padho kaam over। तो ये थे सर अमेंडमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ नवंबर 20 एंड दिसंबर 20। दीज अमेंडमेंट्स वेयर डिटेल्ड अमेंडमेंट्स जैसे मैंने डाल के रखे हैं पहले वाले मई 20 के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको ये भी दे दूंगा डिटेल्ड अमेंडमेंट लेक्चर, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर में उसे समझाया है, राइट? ये उसके एडिशन में है तो आपको ये चीज भी पढ़नी है, राइट? मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा अमेंडमेंट लेक्चर नीचे कमेंट करके कि आपको ये डिटेल लगा या नहीं लगा, क्योंकि हमने इसे बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए रखा है। साथ ही साथ में कुछ बातें अगर मैं आपसे करूं तो वो ये होगी कि सर देखिए मैंने इंटर का अमेंडमेंट लेक्चर लिया उसमें भी यही बात बोला और फाइनल का ले रहा हूं उसमें भी एक ही बात बोल रहा हूं कि बेटा ध्यान से समझ ले नवंबर 20 नो डाउट इस अटेम्प्ट को पाने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। अटेम्प्ट था मई 20 वो स्किप हो गया, सारे बच्चे एक साथ आ गए, कंपटीशन बढ़ गया है नो डाउट, और तुझे ये इंश्योर करना है कि इस कंपटीशन में तू तेरा नाम बदले। यस, तू तेरा नाम बदले। कैसे बदले सर? देख बचपन में तेरा नाम किसी ने रख दिया था, गॉड ओनली नोज कि तुझे ये नाम पसंद है या नहीं पसंद है। नाउ इट्स योर टर्न कि तू इसके नाम के आगे CA CS CMA जो भी तू कर रहा है वो लगाए। नाउ इट्स योर टर्न मेरे भाई, नाउ इट्स योर टर्न। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट COVID-19 सिचुएशन के अंदर में, किसको पता यार तेरे फैमिली को फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली इमोशनली तेरी जरूरत है। इस टाइम पे अगर तूने मेहनत नहीं करी तो तू गलत है, बहुत गलत है। कई बच्चे मुझसे फाइनल के पूछते हैं सर अभी तो हमारे पास यू नो 1.5 महीना बचा है 2 महीना बचा है, क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैं उन सभी बच्चों को कहता हूं बेटा महाभारत की लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी, महाभारत की लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी। तू सोच ले तेरे पास कितनी महाभारत लड़ने का टाइम अब भी बचा है, 18 दिन, टेंटेटिवली 3 महाभारत लड़ने का टाइम तेरे पास अभी भी है। महाभारत से बड़ा तो तेरा सिलेबस है नहीं, इतनी बात मेरे को पता है। अपना 100 नहीं 200% दे कि अगर तेरा रिजल्ट 50% भी आए तो उसका बेनिफिट तुझे रिजल्ट 100% ही मिले। 200 का 50% भी 100% होता है बेटा। इट्स हाई टाइम कि तुम अपने घर की नेम प्लेट चेंज करो, उसके आगे लिखवाओ CA CS CMA वॉट सो एवर यू आर डूइंग विजय सारडा, वॉट आपका नाम जो भी होगा उस हिसाब से।
मेहनत कर, कमी मत रख, किसी भी तरह की कमी मत रख। और मैं आपको दिल से एक बात कहता हूं कि सर नवंबर 20 अगर तू फेल कर गया ना, तो तू एक बात जिंदगी के लिए याद रख लेना, यू नेवर लैक टाइम, यू ऑलवेज लैक डिसिप्लिन। अगर तू नवंबर 20 भी फेल कर गया और अब भी तेरे पास यही प्रॉब्लम है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तेरे पास टाइम की कभी कमी नहीं थी, तेरे पास डिसिप्लिन की कमी थी। और मैं आपको कह दूं, जिस आदमी के पास डिसिप्लिन की कमी होती है वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा सर। प्लीज 100% की जगह 200% दो, दिन पर रात पर, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपनी हालत खराब कर दो, बिल्कुल ये अब मैं कह रहा हूं, अपनी हालत खराब कर दो, लेकिन अब इस गोल को अचीव करके रहो, अब इस गोल को अचीव करके रहो। बस उस दिन को एक पॉइंट के लिए इमेजिन कर ले मेरे साथ, एक मिनट के लिए आंखें बंद कर, आंखें बंद करके बस उस एक मिनट को इमेजिन कर ले जिस टाइम पे तेरे मम्मी, तेरे पापा, तेरे फैमिली तेरे पास का रिजल्ट सुनेंगे। उस टाइम को इमेजिन कर ले जिस टाइम पे तेरे ऑफिस का रिबन ओपन होगा, या उस टाइम को इमेजिन कर ले जिस टाइम पे तेरे अमाउंट, तेरे बैंक अकाउंट के अंदर में अमाउंट क्रेडिट होगी। नो डाउट मेहनत है, हर एक के लिए मेहनत है सर, बहुत प्रेशर है। मेरी खुद की सिस्टर सर, मेरी खुद की सिस्टर सीए फाइनल के अंदर में, वो भी कहती है सर बहुत प्रेशर है। अरे प्रेशर तो सबको है मेरे भाई, प्रेशर तो सबको है। इट्स द हाई टाइम कि तुम इस प्रेशर को हैंडल करो। और ये कोर्स हमें यही सिखाता है, 3.5 साल से हम प्रेशर ही हैंडल कर रहे हैं भाई, एंड अब तुझे प्रूव करने का टाइम आ चुका है, और तुझे प्रूव करना ही होगा, तेरे पास ऑप्शन नहीं है। इतना अच्छा मौका नहीं मिलने वाला दोबारा कभी। ओपनिंग्स है, रिक्वायरमेंट है मार्केट में, बस तेरी कमी है। अपनी पूरी मेहनत दे, 100% दे। मैं और पूरा वी स्मार्ट आपके साथ है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जुडिशियल अपडेट्स से रिलेटेड पॉइंट भी मैं आपको बता दूं। जुडिशियल अपडेट बिल्कुल मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, माइट भी एक या दो दिन में पहले ही अपडेट कर दूंगा, उसके बाद जुडिशियल अपडेट कर दूंगा। कोई नए ज्यादा केस स्टडीज नहीं आए हैं, पुराने वाले केस स्टडीज हैं, 5 नए केस स्टडीज आए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डन सर। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपका पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ होगा या डीटी अच्छे से नहीं हुआ होगा, आप सुपर 35 ले सकते हैं। सुपर 35 के साथ फटाफट आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट। बाकी नवंबर 21 के लिए मैं आपको बता दूं, अभी पास होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नवंबर 21 के लिए अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं, करीब 104 अमेंडमेंट्स है सर, 104 अमेंडमेंट्स, You won't believe, 104 amendments plus taxation amendment ordinance और ला लिया उन्होंने, and जितने amendments है सब major, मैं तो अभी बना ही रहा हूं, आपको बता भी दूं, देख लीजिए आज ही module 2 भी आया है मेरे पास, module 2 CA final का आया है। इस book का size देखिए सर, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि feeling बहुत अच्छा आता है। This is module 2, ये भी आज मैंने launch कर दिया है, right? बहुत amendment है बेटा, अभी पढ़ ले, अभी ही पास हो जा। डन। पूरी उम्मीद के साथ कि आप एक बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे, और रिजल्ट लाने पे आप, मैं और आपका परिवार इसे सेलिब्रेट भी करेगा। मैं विजय सारडा आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय।